एपिसोड 21 ट्रेनिंग। क्लोक ने घूर कर लक्ष्य को देखा और फिर विपिन से कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, उसकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो तुम इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। विपिन ने कोई सवाल नहीं पूछा, पर उसके मन में यही चल रहा था, आखिर ये लड़की है कौन जिसके लिए बॉस इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव है। फिर श्लोक ने विपिन को वहां से जाने को कह दिया। विपिन के जाने के बाद श्लोक वापस अपने लैपटॉप में काम करने लगा। तभी लक्ष्य उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसने उसे अजीब तरह से देखकर कहा, अच्छा मुझे बता, क्या तुम्हारा कल झगड़ा हुआ? ये कहते वक्त वो मुस्कुरा रहा था। श्लोक ने उसे घूर कर देखा और कहा, तू चाहता है मेरा और उसका झगड़ा हो जाए? लक्ष्य ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे निकलने के पहले तुम लोग सिर्फ झगड़ा ही कर रहे थे। कल तुम्हारे टेंशन के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। पता नहीं मेरी प्यारी बहन के साथ तूने कितने जुल्म किए होंगे। श्लोक ने उसे घूर कर देखा और कहा, उसकी कल तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनते ही लक्ष्य अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने कहा, तू मुझे अब बता रहा है? मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। ये कहते हुए वो जाने लगा तो श्लोक ने कहा, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके मंथली पीरियड्स आए हैं। लक्ष्य के जाते हुए कदम वहीं रुक गए और उसने वापस बैठकर कहा, क्या वो ठीक है? तूने उसे घर पर अकेला क्यों छोड़ दिया? और एक मिनट, घर में तो कोई मेड भी नहीं है, तो फिर उसकी हेल्प किसने की? और इससे आगे लक्ष्य कुछ कहता कि तभी श्लोक ने कहा, मैं शॉप गया था। लक्ष्य आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा और फिर उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मतलब सच में मेरी बहन वर्ल्ड में एक ही ऐसी इंसान है जो तुझे किसी भी चीज के लिए झुका सकती है, मतलब दी ग्रेट श्लोक अग्निहोत्री अपनी वाइफ के लिए स्टोर गया था। यार अगर अगली बार मुझे कुछ भी तुझसे करवाना रहा ना, तो मैं पक्का कांचा के कहने वाला हूँ। वो बस कहते ही जा रहा था, पर उसने ये देखा नहीं कि श्लोक उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जैसे ही उसे श्लोक की नजरें अपने पर महसूस हुई, उसने खड़े होते हुए कहा, मुझे अभी याद आया, आज मुझे मेरे हॉस्पिटल विजिट पर जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। ये कहकर वो वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे वो हवा हो। कुछ दिनों बाद आकांक्षा आराम से सो रही थी, तभी श्लोक उसे उठाने लगा, पर आकांक्षा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर श्लोक ने उसे घूर कर देखा और कहा, तो तुम नहीं उठोगी? फिर वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ बेड पर चढ़ गया और धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहलाने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी आकांक्षा अचानक से उठकर खड़ी हो गई और श्लोक को घूर कर देखने लगी। श्लोक मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम तो उठना ही नहीं चाहती थी। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर तुम अब पूरी तरह उठ चुकी हो तो जाकर नहाओ और अंदर रखे कपड़े पहनकर आओ यहाँ, फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसके करीब आया। ये देखकर आकांक्षा भागकर बाथरूम में चली गई। श्लोक मुस्कुराया और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद आकांक्षा नीचे आई। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी। उसने देखा अंदर कोई नहीं था। वो गार्डन की तरफ गई। उसने देखा कि वहां श्लोक, लक्ष्य और उनके साथ कोई और भी था। फिर वो उस तरफ चली गई। जैसे ही उसकी नजर लक्ष्य पर पड़ी, वो दौड़कर उसके पास गई और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझे इतने दिनों से मिलने नहीं आए। आपने कहा था आप वीकेंड पर आएंगे, पर आप तब भी नहीं आए। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो उसे और कसकर गले लगाने लगी। लक्ष्य ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा तो अभी कौन बात कर रहा है? आकांक्षा ने अपना सिर उठाया और मुंह बनाकर लक्ष्य को देखा और वापस उसके गले लगते हुए कहा, ये तो अभी के लिए मैं बाद की बात कर रही हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर लक्ष्य मुस्कुराने लगा। आकांक्षा लक्ष्य से अलग हुई और सामने खड़े श्लोक को मुंह बनाकर देखने लगी। श्लोक ने उसे ऐसा करते देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी आकांक्षा की नजर सामने खड़े उस लड़के पर गई,
वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और फिर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का भी आकांक्षा में खो ही गया था। आकांक्षा ने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसके बाल दो फ्रेंच चोटी में बंधे थे। सुबह सुबह उसका चेहरा बहुत गुलाबी दिख रहा था। तभी उसके कानों में आकांक्षा की आवाज आई, तुम कौन हो? फिर उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, क्या तुम कोई मूवी के हीरो हो? हाँ, तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी ग्रीन आईज, वाओ, क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे? ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही। उस लड़के के गाल अचानक ही थोड़े लाल दिखने लगे थे। आकांक्षा ने उसे ऐसे देखा और कहा, अरे यार तुम तो बहुत क्यूट हो। लक्ष्य आंखें फाड़े अपने सामने के नजारे को देख रहा था। फिर उसने अपनी नजर घुमाई और अपने साइड में खड़े राक्षस को देखा जो उगते हुए सूरज की तरह चल रहा था। लक्ष्य ने धीरे से श्लोक के कान में कहा, भाई जाकर संभाल, देख मेरी बहन मेरे लिए नया जीजा देख रही है। लोग ने घूर कर लक्ष्य को देखा और आगे बढ़कर आकांक्षा को अपनी तरफ खींच लिया। आकांक्षा ने गुस्से में श्लोक को देखा और कहा, एक तो आपने मुझे इतनी सुबह उठा दिया और ऊपर से आप मुझे उस हैंडसम लड़के से बात भी नहीं करने दे रहे हो। लोग को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह आकांक्षा को जाकर कमरे में बंद कर देना चाहता था। उसने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, विपिन। विपिन, जो अब तक आकांक्षा की खूबसूरती में खोया हुआ था, अचानक से अपने बॉस की इतनी डेंजरस आवाज सुनकर अपने होश में वापस आ गया। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने कहा, ऑर्डर बॉस। श्लोक ने उसे घूर कर देखा और मन में कहा, ये इसे कहां से हैंडसम लग रहा है, मुझे इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। तभी आकांक्षा की आवाज आई, अच्छा तो तुम्हारा नाम विपिन है, तुम्हारा तो नाम भी बहुत अच्छा है। श्लोक ने आकांक्षा से कहा, ये तुम्हारे ट्रेनर है। आकांक्षा ने अपना मुंह खोलकर श्लोक को कुछ कहने की कोशिश की, पर श्लोक ने उससे पहले कहा, ये तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देगा, विपिन एक बहुत अच्छा टीचर है और तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। फिर उसने विपिन की तरफ देखा और कहा, और ये जो तुम्हारी स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे से ट्रेन करो। विपिन ने अपनी आंखों में चमक के साथ हाँ में सिर हिला दिया। श्लोक ने जब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसने अपनी मुट्ठी बनाकर कहा, और याद रखना, ये तुम्हारी मैडम है। विपिन का चेहरा जो अभी तक खिले हुए फूल की तरह था, वो बिल्कुल काला पड़ गया। उसने अपनी नजरें उठाकर श्लोक की तरफ देखा, जो अपनी आग उगलती आंखों से उसे ही देख रहा था। तभी उसके कानों में श्लोक की आवाज आई, शीज माई वाइफ। विपिन का मन कर रहा था कि वो खुद को फांसी लगा ले। उसने खुद से कहा, वेरी गुड विपिन, तुझे पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी। सॉरी, तेरी लेडी बॉस ही मिली थी, पर बॉस को कैसे कोई लड़की मिल गई? बॉस को तो लड़कियों से सख्त नफरत थी और इन्होंने शादी भी कर ली। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसने सुना कि आकांक्षा श्लोक से कुछ कह रही है। आकांक्षा ने, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं करना, आप क्या चाहते हैं, मेरा ये छोटा सा शरीर इतनी सारी कसरत करके गायब हो जाए? भूल जाइए, मैं कुछ नहीं कर रही। ये कहते हुए वो अंदर जाने लगा। तभी श्लोक ने उसे उठाया और वापस उसी जगह खड़ा कर दिया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कहा था उसे कॉलेज जाना है। ये सुनते ही आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा। श्लोक ने आगे कहा, अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक महीना है। इस एक महीने में अगर तुम अपने फिटनेस टेस्ट को पास करती हो, जो कि मैं सेट कर रहा हूँ, तो तुम कॉलेज जा सकती हो। आकांक्षा को तो बस इतना ही सुनाई दे रहा था कि वो कॉलेज जा सकती है, इसीलिए बिना सोचे समझे उसने हाँ कह दिया और कहा, डॉक्टर साहब आप बेस्ट हैं। फिर उसने विपिन की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर हैंडसम, आप मुझे ट्रेनिंग देंगे। लोक ने जब आकांक्षा के मुंह से विपिन के लिए ये शब्द सुने तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने एक बार और उसे मिस्टर हैंडसम कहा तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मिलिट्री कैंप भेजूंगा, जहां तुम्हारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और फिर उसने विपिन को देखकर कहा, विपिन अपनी मैडम के साथ केयरफुल रहना और अपनी लिमिट से बाहर मत जाना, समझे?
लक्ष्य पीछे खड़ा कप से मुंह दबाकर हंस रहा था। उसने मन में कहा, आकांक्षा मैं जानना चाहता हूँ तुम में ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती हो। तुमने इस इंसान को जेलस तक कर दिया यार। थोड़ी देर बाद लक्ष्य और श्लोक गार्डन के सीटिंग एरिया में बैठे थे और लक्ष्य जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, यार तेरी वाइफ कितनी कमाल है, मतलब जिस लड़के के लिए पूरी जर्मनी की लड़कियां पागल थी, यहाँ तक इंडिया में भी तेरी एक नजर भर पाने के लिए लड़कियां क्या कुछ कर जाती, वहीं दूसरी तरफ ये लड़की तेरे सामने तेरी ही सबोर्डिनेट को हैंडसम कह रही थी। मतलब सच में तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये दुनिया की एक ही लड़की ऐसी होगी जो तेरे साथ ऐसा कर रही है। लोक ने लंबी सांस लेकर कहा, यू आर राइट, ये इकलौता पीस मेरी ही किस्मत में है। लक्ष्य ध्यान से श्लोक के चेहरे को देखने लगा। उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मुझे बता दो उसे कॉलेज क्यों भेजना चाहता है। देव ने मुझे बताया था कि तेरी जापान वाली डील कैसे क्रैक हुई थी, मुझे लगता है तुझे उससे ऑफिस वर्क में शामिल करना चाहिए। श्लोक ने सामने देखा जहां आकांक्षा दौड़ रही थी और फिर कहा, आई नो उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी जरूरत भी नहीं है, पर उसने मुझे बताया कि उसको सिर्फ 12th तक ही पढ़ाई कराई गई है। ये बात अलग है कि उसकी नॉलेज इन सबसे ज्यादा है, बट यू नो व्हाट, मैंने उसकी ड्राइंग और स्केचेस देखे हैं एंड दे आर ऑसम। कुछ ड्राइंग बहुत अलग थे। लक्ष्य ने उसे ध्यान से देखा तो श्लोक ने कहा, उसकी एक ड्राइंग बुक में 8 पेजेस पर एक ही लड़की की ड्राइंग बनाई गई थी जो कि एक कमरे में थी। उन सभी ड्राइंग्स को एक पैटर्न में बनाया गया था जिसमें वो लड़की 12 साल से 20 साल की कैसे हुई ये सफर दिखाया जा रहा था, पर जो नहीं दिख रहा था वो थी जगह। वहां सिर्फ हमेशा एक ही कमरा दिखता रहा था। मैंने उसे कई बार ये कहते सुना कि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब मैं उसे मॉल ले गया था तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहां पहली बार आई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो बाहर की दुनिया देखे और सीखे कि जीना किसे कहते हैं। उसकी इनोसेंट उसे ही हार्म पहुंचाएगी। उसे थोड़ा टफ बनाने के लिए हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। लक्ष्य उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, गोल्ड को प्योर करने के लिए काफी सारी स्टेजेस से गुजारना पड़ता है और मैं उसे इतना स्ट्रांग बनाकर रहूंगा कि जिसने उसके साथ बुरा किया है वो उनसे खुद लड़ सके। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्य और श्लोक घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे तो वहां आकांक्षा घास पर लेटी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। साइड में विपिन खड़ा हुआ था। उसने श्लोक के पास आकर कहा, बॉस मैम ने आज 10 राउंड लगाए हैं। लक्ष्य मुंह खोले विपिन को देख रहा था। उसने कहा, भाई तू मेरी बहन पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है, बिचारी तेरे इतने बड़े गार्डन के इतने सारे राउंड लगाकर थक गई होगी वो। लोक ने लक्ष्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और विपिन को देखकर कहा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। विपिन ने कहा, सर मैम की बॉडी थोड़ी कमजोर है, हमें उन्हें कुछ प्रोटीन देना स्टार्ट करना होगा और साथ ही उन्हें रोज योगा भी करना होगा क्योंकि उनकी ब्रीथिंग रनिंग करते समय ठीक नहीं थी। श्लोक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ क्योंकि वो एक बार काफी देर तक पानी में रही थी। एपिसोड 22 डर। विपिन ने आगे कहा, सर मैम को कुछ इंजेक्शंस भी लेने होंगे जिससे उनकी बॉडी और स्ट्रांग हो सके। आकांक्षा जो अब तक आंखें बंद करके घास पर लेटी हुई थी, इंजेक्शन का नाम सुनते ही उसके सामने कुछ तस्वीरें घूमने लगी। फ्लैशबैक, उसको संजय जी दिख रहे थे जिनके हाथ में एक इंजेक्शन था और उसमें हरे रंग की कोई दवाई थी। बेड पर आकांक्षा को संजय जी की पत्नी और बेटी ने पकड़ कर रखा था और आकांक्षा चिल्ला रही थी कि उसे वो इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो संजय जी की पत्नी ने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया, फिर संजय जी ने उसके हाथ में वो इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद आकांक्षा का पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसका चेहरा पीला दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से बीमार हो। और फिर कुछ समय बाद
उससे वकील साहब मिलने आए। उन्होंने कहा, आकांक्षा तुम कैसी हो? आकांक्षा को उस इंजेक्शन के कारण बोलने में भी परेशानी हो रही थी। वो बोलना चाहती थी पर वो वकील साहब से कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी संजय जी ने आगे आकर कहा, वकील साहब मैंने कहा था ना आकांक्षा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, जब से उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है वो बीमार ही रहती है, पर आपको तो विश्वास ही नहीं था, अपनी आंखों से उसकी हालत देख लीजिए। यह सुनकर वकील साहब की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। उन्होंने आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरा और चले गए। वकील साहब के घर से जाने के बाद संजय जी ने कहा, बेटा आकांक्षा बस थोड़े दिन और, उसके बाद तुम्हें ये दर्द नहीं सहना होगा। ये कहते हुए वो बाहर चले गए। फ्लैशबैक ओवर। आकांक्षा का ध्यान श्लोक के उसी हाथ लगाने से टूटा। वो खड़ी हुई और उसने कहा, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी कोई भी इंजेक्शन। आप भी मुझे इंजेक्शन लगाना चाहते हो? मुझे फिर से वो दर्द नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तीनों लड़के उसका ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर थोड़े परेशान दिख रहे थे। श्लोक की आंखें गहरी हो गई थी। उसने विपिन से कहा, इधर रुको। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। अंदर आकांक्षा अपने आप को कंबल से ढककर बैठी हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो अपनी डरी हुई आंखों से श्लोक को देख रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, नहीं मुझे वो इंजेक्शन नहीं लगवाना, फिर से मुझे वैसा नहीं होना। आकांक्षा को ऐसे देखकर श्लोक के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से उसके पास बैठा और उसका सिर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। देखो मुझे, मैं कौन हूँ? आकांक्षा ने अपनी भरी हुई आंखों से श्लोक को देखा और कहा, आप डॉक्टर साहब हैं। श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। आकांक्षा ने कसकर श्लोक की टी शर्ट पकड़ ली। श्लोक महसूस कर सकता था कि आकांक्षा किसी चीज से डरी हुई थी। उसने उससे पूछा, मुझे बताओ किसने तुम्हें गलत इंजेक्शन दिया? ये सुनते ही आकांक्षा की पकड़ श्लोक पर और कस गई। उसने घबराते हुए कहा, वो लोग मुझे गंदा सा इंजेक्शन देते थे जिससे मैं हिल भी नहीं पाती थी। मेरी बॉडी में बहुत जलन होती थी, फिर थोड़े दिन बाद वापस ठीक हो जाता था, पर तब मुझे बहुत दुखता था। जब वो इंजेक्शन लगते थे मुझे फिर से नहीं चाहिए वो दर्द। आप मुझे कोई इंजेक्शन मत लगाओ। इस समय श्लोक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आखिर कोई कैसे उसकी आकांक्षा के साथ ऐसा कर सकता था? उसने धीरे से आकांक्षा की गर्दन पर अपनी दो उंगलियों से प्रेस की, जिससे आकांक्षा बेहोश हो गई। श्लोक ने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि लक्ष्य उसके पीछे ही खड़ा था और उसकी आंखें थोड़ी नम थी। श्लोक ने एक नजर लक्ष्य को देखा और फिर अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकालकर आकांक्षा के पास बैठ गया। उसने उस बॉक्स से इंजेक्शन को निकाला और आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी। ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर उस सुई को लगा दिया, जिससे धीरे धीरे आकांक्षा का खून उस इंजेक्शन में आ गया। लोक ने उसे दो छोटी कांच की बॉटल्स में डाला और मुड़कर गेट के पास आ गया, जहां लक्ष्य खड़ा था। उसने वो बॉटल्स उसे दी और कहा, ये अपने हॉस्पिटल ले जाओ और जांच करो। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुड़कर आकांक्षा को देखा जो बिस्तर पर सो रही थी। वो उसके पास गया और उसे देखने लगा। उसने धीरे से उसका ब्लैंकेट हटाया और वार्डरोब से दूसरे कपड़े लेकर उसे पहनाने लगा। इतनी देर तक एक्सरसाइज करने के कारण उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। थोड़ी देर बाद श्लोक नीचे आया, जहां लक्ष्य और विपिन थे। वो वहां खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें कुछ पूछना है? ये सुनते ही लक्ष्य ने खड़े होकर कहा, क्या उसकी हालत इतनी खराब है? मेरी प्रिंसेस इतने दर्द में क्यों है? ये कहते वक्त उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। उसे इतनी मुश्किल से कोई मिला था।
जिससे वो अपना कह सकता था, और वो उसकी प्यारी बहन थी जो अब उसकी जिंदगी बन गई थी। और वो इतने दर्द में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। श्लोक ने लंबी आह भरी और कहा, मैं भी नहीं जानता बात क्या है। उसके दिल में कई घाव है, पर वो डरती है किसी को भी बताने से। इसीलिए मैं उससे कुछ नहीं पूछता। डर लगता है कि अगर कुछ पूछ लिया तो कहीं वो पैनिक ना करने लगे, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुझे बताए कि किसने उसके साथ बुरा किया था। पर शायद अभी तक वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाई है। ये कहते वक्त श्लोक की आंखों में एक दर्द था। वो चाहता था कि आकांक्षा उस पर विश्वास करे, कि वो उसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचाकर रखेगा, पर शायद इसमें समय लगने वाला था। जब आकांक्षा की नींद खुली तो उसने देखा कि दोपहर हो गई थी। वो उठी और उसने उबासी लेते हुए खुद से कहा, पता नहीं मैं कब से सो रही हूँ। एक तो डॉक्टर साहब ने इतनी कसरत एक ही दिन में करवा दी कि मुझे तो लग रहा है कि मैं वापस सो जाऊं। खुद से बात करते हुए वो आईने के सामने खड़ी हो गई थी। उसने धीरे से खुद को देखा। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने खुद से कहा, मैंने तो ट्रैक सूट पहना था, ये कपड़े कैसे चेंज हुए? ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये डॉक्टर साहब, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? आने दो घर, तब बताऊंगी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि कई सारे लोग नीचे भी काम कर रहे थे। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? एक लेडी सामने आई और उसने कहा, मैडम, सर ने आज ही हमको सबको यहाँ काम पर रखा है और आपको आराम करने को कहकर गए हैं, और साथ ही ये चिट भी दी है। ये कहते हुए उसने अपने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा आकांक्षा के हाथ में दे दिया। आकांक्षा जाकर सोफे पर बैठ गई और टीवी ऑन करके टॉम एंड जेरी देखने लगी। तभी वहां एक मेड ने आकर उसके सामने फ्रूट्स रख दिए। आकांक्षा टीवी देखते हुए फ्रूट्स खाने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आ गई और बालकनी में रखे कैनवस पर पेंटिंग बनाने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। काफी समय बाद जब उसने अपनी पेंटिंग्स की तरफ देखा तो उसके हाथ से ब्रश छूटकर नीचे गिर गया। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर वो दौड़कर अपने कमरे से बाहर चली गई और गार्डन में बने झूले पर जाकर बैठ गई। शाम को जब श्लोक घर आया तो उसे आकांक्षा कहीं नहीं मिली। उसने मेड से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उन्हें दोपहर के बाद दिखी ही नहीं थी। अब श्लोक परेशान होने लगा था। उसने अपना फोन निकाला, तभी उसे याद आया कि आकांक्षा के पास कोई फोन नहीं है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो गार्डन एरिया की तरफ गया। पूरे गार्डन एरिया की लाइटिंग ऑन थी, जिससे वो काफी खूबसूरत दिख रहा था। श्लोक बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बने झूले पर गई। उसने देखा आकांक्षा वहां बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह खुले थे, जो आधा झूला ढक चुके थे। हल्की हल्की चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। श्लोक अपने बढ़ते कदमों के साथ उसकी खूबसूरती में खोता जा रहा था। उसके बाल चांद की रोशनी में चमक और हवा में उड़ रहे थे। वो किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रही थी। श्लोक उसके पास बैठकर उसके बाल ठीक करने लगा। तभी आकांक्षा की नींद खुल गई। अपने सामने श्लोक को देखकर वो तुरंत ठीक से बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो वो हैरान हो गई कि रात हो चुकी है। उसने अपनी मासूम नजरों से श्लोक को देखा और कहा, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। श्लोक उसके पीछे खड़ा हुआ और उसने कहा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो, और उसके बालों को बांधने की कोशिश करने लगा। आकांक्षा के बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि वो उन्हें संभाल ही नहीं पा रहा था। बांधने की जगह वो उन्हें और उलझाते जा रहा था, जिससे आकांक्षा को तकलीफ हो रही थी। उसने श्लोक से कहा, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, दुख रहा है। श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं?
कटवा लो इन्हें। आकांक्षा ने तुरंत अपने बाल श्लोक के हाथों से लिए और थोड़ा दूर खड़े होकर कहा, कटवाऊंगी, इतनी मुश्किल से बड़े हुए हैं। ये सब कहते समय आकांक्षा थोड़ी टेंस दिख रही थी। श्लोक ने उसे पैनिक होते देखा तो उसे अपने पास खींचकर अपने गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ठीक है, मत कटाओ। ये कहकर वो उसके साथ झूले पर बैठ गया। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा बताओ, क्या सच में तुम्हें अपने बाल बहुत पसंद है? आकांक्षा ने अपने बालों को बांधते हुए कहा, हाँ, मैं जब छोटी थी तो मम्मी हमेशा मेरे बालों में तेल लगाती थी और मैं भाग जाती थी, पर फिर वो चली गई। ये कहते हुए आकांक्षा की आंखें थोड़ी नम हो गई। श्लोक ने उसका हाथ धीरे से सहलाते हुए कहा, नहीं बताना तो मत बताओ। आकांक्षा ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, फिर उनके जाने के बाद एक दिन खाने में मेरा एक बाल आ गया, जिससे वो लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए। मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हो गए थे और मैं बहुत रो रही थी, और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा भी था। तब से मैंने कभी अपने बाल नहीं खोले, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि मेरे बाल इतने लंबे हैं। वो ये सब इतनी मासूमियत से कह रही थी कि उसका चेहरा छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा उन लोगों का नाम क्यों नहीं बताती थी, और जब भी वो उससे बात करता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देती थी जो उसका पास्ट था। श्लोक अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसे आकांक्षा की आवाज आई, डॉक्टर साहब, भूख लगी है, अंदर चले। ये कहकर वो उसे खींचकर अंदर ले जाने लगी। श्लोक ने उसे एक मुस्कान दी और अंदर आ गया, पर उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने खुद से कहा, आई थिंक रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। अग्निहोत्री मेंशन में वसुंधरा जी बड़ी अम्मा के साथ बैठी थी। उन्होंने कहा, अम्मा, श्लोक कितने दिनों से आया नहीं है, अब तो वो ठीक होगा, तो उसे मिलने तो आना चाहिए ना, वैसे भी इतने साल वो विदेश में रहा है। बड़ी अम्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा, आ जाएगा, वैसे भी उसे अलग रहना ही पसंद है। तुम तो जानती हो ना उसके पिता के जाने के बाद से वो कैसा हो गया था, पर तुमने देखा, इस बार कुछ अलग होगा। उसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं दिखता था, और जब वो यहाँ आया तो थोड़ा परेशान था, और जब कल हमारी उससे फोन पर बात हुई तो वो खुश लग रहा था। मैंने कहा, जो साइड में बैठी अपनी चाय पी रही थी, उसने मन में कहा, पता करना पड़ेगा कि ऐसी क्या खुशी आ गई है उसके पास, और अगर है भी तो उसे मिटाना होगा, क्योंकि वो इंसान खुश होने के लायक ही नहीं है। और फिर उसने कहा, बड़ी दादी, आप कहें तो उसे खाने पर बुला लें। वसुंधरा जी ने कहा, यह तो तुम ठीक रही हो, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने श्लोक को फोन लगा दिया। इधर जैसे ही श्लोक का फोन बजा, उसने नाम देखा और फिर अपने सामने बैठी आकांक्षा को, जो अपना खाना खाने में व्यस्त थी। उसने फोन उठाकर कहा, मैं बात करके आता हूँ। वो उठा, फिर थोड़ी दूर जाकर उसने फोन उठा लिया। उधर से वसुंधरा जी ने कहा, श्लोक, क्या तुम आज खाने पर आ सकते हो? श्लोक ने एक नजर टेबल को देखा और कहा, माँ, मैंने खाना खा लिया है, अगली बार जरूर आऊंगा। वसुंधरा जी थोड़ी उदास हो गई, पर फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, लक्ष्य को भी लेकर आना। श्लोक ने उनसे कुछ देर तक बात की और फोन कट कर दिया। उसने देखा कि आकांक्षा दूध के ग्लास को घूर कर देख रही थी। वो उसके पास आया और उसने कहा, चुपचाप पी लो। आकांक्षा ने मुंह बनाकर श्लोक को देखा और कहा, आप मुझे हमेशा बच्चों की तरह दूध क्यों पीने को बोलते हैं, क्या मैं बच्ची हूँ? श्लोक ने अपना खाना खाते हुए कहा, क्या तुम उससे कम हो? आकांक्षा मुंह खोले श्लोक को देख रही थी। उसने कहा, क्या कोई अपनी बीवी से ऐसा कहता है? आकांक्षा के ये शब्द सुनकर श्लोक का हाथ रुक गया। आकांक्षा ने पहली बार उससे अपने आप को उसकी बीवी कहा था, और ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आकांक्षा की तरफ देखा और कहा, फिर से कहो। आकांक्षा ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी।
लोक ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने कहा जो अभी तुमने कहा था वो फिर से कहो। आकांक्षा सोचने लगी कि उसने क्या कहा था। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने अभी श्लोक से क्या कहा था, और वो याद आते ही उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अपनी नजरें नीचे की और कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लोक ने उसे अपनी आंखें झूठी करके देखा और कहा, वाइफी झूठ नहीं बोलते। आकांक्षा ने अपनी नजरें उठाई और कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी उसे ध्यान आया कि श्लोक ने उसे अभी क्या कहा था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके श्लोक को देखने लगी। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफी ऐसे मत देखो वरना खाने की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। एपिसोड 23, खूबसूरत पल। आकांक्षा को अचानक खांसी आ गई। उसने कहा, मैं पी लूंगी ये दूध। ये कहकर वो उस दूध के ग्लास को खत्म करके अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसकी ऐसी हरकत देखकर श्लोक को बहुत हंसी आ रही थी। उसने भी अपना खाना खत्म किया और कमरे में आ गया। उसने देखा कि आकांक्षा कमरे में नहीं थी। तभी उसे याद आया कि स्टडी रूम की लाइट ऑन थी, तो वो उस तरफ चला गया। स्टडी रूम में आकांक्षा अपने सामने 3 से 4 बुक्स लेकर बैठी थी। उसने खुद से कहा, अब जब कॉलेज जाना है तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ये कहकर उसमें से एक बुक लेकर सोफे पर पढ़ने बैठ गई। श्लोक ने अंदर आते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? आकांक्षा ने बुक की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपको दिखाई नहीं देता, या आप अपना चश्मा पहनना भूल गए हैं? श्लोक ने कहा, आकांक्षा। आकांक्षा ने कहा, अरे मैं बुक पढ़ रही हूँ। श्लोक ने कहा, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम बुक्स पढ़ रही हो, पर अभी क्यों? आकांक्षा ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं कब से सो रही थी और अब मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ये बुक्स पढ़ने वाली हूँ। ये कहते हुए वो वापस उस किताब को पढ़ने लगी। श्लोक ने लंबी आह भरी और बाहर चला गया। आकांक्षा ने दरवाजे को देख कर मुंह बनाया और कहा, क्या ये यहाँ नहीं बैठ सकते थे? मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद श्लोक वापस आया और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लगा। आकांक्षा ने तिरछी नजर से उसे देखा और वापस किताब पढ़ने लगी। श्लोक ने एक बार भी आकांक्षा की तरफ नहीं देखा था। उसने खुद से कहा, इस लड़की का क्या करूं मैं, क्या ये ढंग से नहीं रह सकती? ये कहकर उसने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर वापस लैपटॉप में काम करने लगा। आकांक्षा सोफे पर लेटी थी। उसने पर्पल कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसके पैर सोफे की ऊंचाइयों पर होने के कारण उसका पजामा थोड़ा ऊपर आ गया था, जिससे उसके गोरे पैर दिख रहे थे। उसका टॉप हल्का सा ऊपर था जिससे उसकी कमर झांक रही थी। इस समय वो काफी हॉट लग रही थी, पर उस बेचारी को खुद ही नहीं पता था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने मुंह में रखे पेन से उस बुक पर मार्क कर रही थी। वो पेन उसके गुलाबी होठों के बीच कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। श्लोक ना चाहते हुए भी उसे ही देख रहा था। तभी उसने देखा कि आकांक्षा ने अपना एक हाथ ऊपर किया, शायद कुछ लेने के लिए, पर उससे उसका टॉप और ऊपर हो गया। अब श्लोक को गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, आकांक्षा अच्छे से बैठो। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, और वापस बुक पढ़ने लगी। श्लोक ने उसे 2-3 बार और टोका, पर वो सुनना ही नहीं चाहती थी। उठ कर खड़ा हुआ और उसके पास चला गया। आकांक्षा का ध्यान अभी भी किताब में था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास आकर कोई खड़ा है। श्लोक झुका और वो किताब उसके चेहरे से हटाकर उसके ऊपर आ गया। आकांक्षा हैरानी से उसे देख रही थी। वो पूरी तरह उसके नीचे दब चुकी थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? श्लोक ने कुछ नहीं कहा और धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखने लगा। उसकी छुअन से आकांक्षा सिहर उठी। श्लोक ने धीरे से उसका टॉप नीचे किया और अपना हाथ ऊपर ले जाने लगा। अब आकांक्षा को डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। श्लोक ने उसके चेहरे को देखा और धीरे से अपनी नजरें झुकाकर उन खुले बटन को बंद कर दिया, और फिर धीरे से उसकी तरफ झुककर उसके कान में कहा, अगर तुम्हें मुझे सेड्यूस करना है तो
तो तुम सिर्फ मेरी शर्ट भी पहन सकती हो, उसमें तुम और ज्यादा हॉट लगोगी। आकांक्षा को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। श्लोक उसके कान के पास ही धीरे से मुस्कुराया और उसने कहा, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था? कि तुम अच्छे से बैठ जाओ, या फिर तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? ये सब कुछ श्लोक बहुत धीमी आवाज में कह रहा था। उसकी आवाज सुनकर आकांक्षा के कानों में तो जैसे गाने की धुन बजने लगी थी। श्लोक ने धीरे से उसके कान को बाइट किया और फिर उसके गाल पर किस करने लगा। उस हल्की सी बाइट से आकांक्षा का कान पूरा लाल हो गया था। श्लोक ने मन में कहा, ये सच में कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और वापस अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया। आकांक्षा अभी भी उस पोजीशन में लेटी हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी आंखें खोलने की। थोड़ी देर बाद जब उसे अपने ऊपर कोई भार महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिर घुमाकर देखा तो श्लोक वापस जा चुका था। वो उठकर खड़ी हुई और वहां से भाग गई। श्लोक दरवाजे को देखने लगा और फिर वापस अपने लैपटॉप में देखने लगा। तभी उसने देखा कि दरवाजा वापस खुला। आकांक्षा ने गुस्से में श्लोक को घूरते हुए कहा, आप सच में बेशरम हैं, मेरे कमरे में मत आना। ये कहकर उसने श्लोक के ऊपर वो किताब फेंक दी। ये तो अच्छा था कि श्लोक ने वो कैच कर ली और आकांक्षा को देखने लगा। वो कुछ कहना चाहता था कि आकांक्षा ने फिर कहा, मैंने कह दिया मेरे कमरे में मत आना वरना मैं। उसने इसके आगे कुछ नहीं कहा और चली गई। श्लोक ने खुद से कहा, वरना मैं क्या, ये तो बताकर ही नहीं गई, पागल लड़की। चल श्लोक, अब ये सोच तू कमरे में कैसे जाएगा। ये झांसी की रानी तो ऐसे डरा कर गई है जैसे अंदर तलवार लेकर बैठी हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला था इसे यहाँ पर ऐसे बैठने को? ये कहकर वो वापस मुंह बनाकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। पर जैसे ही उसकी नजर सोफे पर पड़ी, उसके चेहरे पर वापस मुस्कुराहट आ गई। इधर आकांक्षा ने कमरे को अच्छे से बंद कर लिया और वहां पर एक भारी भरकम कुर्सी लगा दी। फिर सारी खिड़कियां चेक करके खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वेरी गुड अक्षु, अब वो डॉक्टर साहब अंदर नहीं आ पाएंगे। उन्हें क्या लगता है, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? तभी उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले का सीन आया और उसके गाल लाल हो गए। उसने खुद से कहा, अक्षु तुझे उन्हें रोकना चाहिए था। हाँ, अब मैं जरूर अच्छे से ट्रेनिंग लूंगी और फिर इन्हें ना कपड़ों की तरह धोऊंगी, अगर इन्होंने मुझे परेशान किया तो। और फिर बेड पर जाकर सो गई। 2 घंटे बाद जब श्लोक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो सोचने लगा कि उसे गेट खोलना चाहिए कि नहीं। तभी उसे याद आया, अब उसके घर में उसके नौकर भी हैं। अगर वो किसी और कमरे में सोएगा तो उन लोगों पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि उनके बॉस की वाइफ ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। ये सोचते हुए वो दरवाजा खोलने लगा और उसने देखा दरवाजा फिर से लॉक है। उसने जेब से चाबी निकाली और उसे खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पैर कुर्सी से टकराया। उसने अपनी आंखें छोटी करके कुर्सी को देखा और कहा, क्या इस लड़की को नहीं पता कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है? और फिर खुद ही हंसने लगा। अंदर आकर उसने देखा कि आकांक्षा आराम से बेड पर फैल कर सो रही थी। वो उसके पास गया और उसने ब्लैंकेट को उस पर अच्छे से डालते हुए कहा, मेरी प्यारी वाइफ, मैं तुम्हें यहीं रख लेना चाहता हूँ, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? और फिर उसके माथे पर किस करके लाइट बंद करके बालकनी की तरफ जाने लगा। जब वो बालकनी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पेंटिंग का सामान रखा था और कैनवस पर एक पेंटिंग व्हाइट पेपर से ढकी हुई थी। उसने धीरे से वो पेपर हटाया। वहां पर चेरी ब्लॉसम के पेड़ बने थे और उनके बीच एक आदमी और औरत खड़े थे जो दिखने में काफी सुंदर थे। उन दोनों ने एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ा था जो मुस्कुराते हुए आगे चल रही थी। पूरी सड़क गुलाबी पंखुड़ियों से भरी थी और उन लोगों के पीछे काला धुआं आ रहा था और उस धुएं में एक हाथ दिख रहा था जैसे वो उन लोगों को पकड़ लेना चाहता हो। श्लोक ध्यान से उस पेंटिंग को देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग कौन है।
छोटी बच्ची के फीचर्स आकांक्षा की तरह दिख रहे थे, खासकर उसकी आंखें, और वो औरत भी आकांक्षा जैसी ही लग रही थी। श्लोक समझ गया कि ये उसकी फैमिली फोटो है, लेकिन उसकी नजर बार बार उनके पीछे से आ रहे उस काले धुएं वाले हाथ पर थी। उसने खुद से कहा, क्या किसी ने जानबूझकर आकांक्षा की फैमिली को हार्म पहुंचाया था? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसने नीचे देखा, नीचे कलर बोतल और ब्रश वहां गिरा हुआ था। तभी उसे याद आया कि आकांक्षा दोपहर से बाहर झूले पर बैठी थी। उसने खुद से कहा, शायद इसने गलती से ये पेंटिंग बना दी और याद ना करने की कोशिश में बाहर ही बैठी रही। उसने वो पेंटिंग वापस ढक दी जैसे किसी ने उसे देखा ही ना, और अंदर आकर आकांक्षा की साइड में सो गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने सीने पर गर्माहट महसूस हुई। उसने देखा कि आकांक्षा उससे लिपट कर सो रही थी। उसने भी उसे हक किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। ये कहते हुए वो भी सो गया। सुबह आकांक्षा की नींद अपने ऊपर गिरी पानी की बूंदों से खुली। उसने उठकर कहा, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, बचाओ। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। श्लोक उसके पास गया और उसे गले लगाकर बैठ गया। आकांक्षा ने कसकर श्लोक को पकड़ लिया और कहा, मुझे मुझे फिर से नहीं डूबना। श्लोक ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे अभी तुम रूम में हो। आकांक्षा ने श्लोक को धक्का दिया और कहा, आप बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर पानी डाला। असल में श्लोक कब से आकांक्षा को उठा रहा था, पर वो उठने को तैयार ही नहीं थी, जिससे श्लोक ने वहां रखे जग के पानी की कुछ बूंदे आकांक्षा पर डाल दी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आकांक्षा का रिएक्शन ऐसा होगा। आकांक्षा के धक्का देने से श्लोक उससे दूर हो गया और उसने अपनी आंखें छड़ाकर कहा, अच्छा तो वो कौन था जो तुम्हें कब से उठा रहा था, और वो कौन था जो अपने दोनों कानों पर तकिया रखकर कह रहा था कि उसे नहीं उठना। आकांक्षा ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, वो मैं नहीं थी। लोग को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, बस बहुत हो गया, जाओ तैयार होकर आओ, विपिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आकांक्षा ने मुंह बनाया और कहा, मुझे नहीं जाना। ये कहकर वो वापस लेटकर सोने लगी। लोक ने आह भरी और कहा, ठीक है। आकांक्षा आंखें बंद करके मुस्कुराने लगी और उसने कहा, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। तभी उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसने आंखें खोल कर देखा तो उसके ऊपर श्लोक था। श्लोक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जो विपिन तुम्हें बताने वाला है, तो हम दोनों मिलकर एक हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं जिससे तुम्हें अपना बेड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, मेरे ऊपर से हटिए। श्लोक ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर फेरना शुरू कर दिया और कहा, वाइफी मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। आकांक्षा ने उसे जोर से धक्का देकर दूसरे साइड गिरा दिया और वॉशरूम में जाते हुए कहा, एक दिन मैं आपको अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर वो पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली गई और श्लोक उसे मुस्कुराता देखता रहा। थोड़ी देर बाद गार्डन एरिया में श्लोक अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा था और आकांक्षा को देख रहा था, जो कुछ भी मन से नहीं कर रही थी। आकांक्षा को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उससे ये सब करवाना चाहता। उसे ये करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। श्लोक ने कहा, आकांक्षा फोकस करो। आकांक्षा ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, मैं पहले से ही बहुत कोशिश कर रही हूँ, आप क्या चाहते हैं, मैं यहीं बेहोश हो जाऊं? विपिन मुंह खोलकर आकांक्षा को देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई श्लोक से आंखें मिलाकर बात कर सके, और आकांक्षा उसे घूरकर डांट रही थी। उसके मन में अपनी मैडम के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। 7 दिन बाद लोक अपने ऑफिस में बैठा था और उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिख रहा था। लक्ष्य ने कहा, भाई क्या बात है, लगता है तू मेरी बहन से परेशान हो गया है। श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा, उसे कितना समझा रहा हूँ पर वो तैयार ही नहीं है, वो अच्छे से एक भी ट्रेनिंग नहीं कर रही है। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा ही टेंशन ले रहा है, उसे थोड़ा टाइम दे। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, रिपोर्ट आ गई है।
ये सुनते ही श्लोक का चेहरा जो चढ़ा हुआ दिख रहा था अचानक ही सख्त हो गया। उसने कहा, उसमें क्या आया है? लक्ष्य ने वो फाइल उसके हाथों में दे दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे कुछ बताए। श्लोक ने भारी मन से उस फाइल को खोला और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा दोनों साथ दिख रहे थे। उसने जोर से वो फाइल पटकी और खिड़की के पास खड़ा हो गया। लक्ष्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर इन्फॉर्मेशन से उसे शायद 7-8 सालों से ये ड्रग दिया जा रहा है जिसके कारण उसके ऑर्गन्स में परेशानी होने लगी है। अगर वो अपना ध्यान ठीक से नहीं रखेगी तो उसे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ये एक ऐसा ड्रग है जिससे इंसान की बॉडी थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है और उसका असर खत्म होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने आकांक्षा को ये कितनी बार दिया है, पर उसके ब्लड में इसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी मिली है। इतने दिनों से वो हमारे पास है, तब भी उसके ब्लड में वो है। इसका मतलब उस पर इसका बहुत असर है। लोग ने बाहर देखते हुए कहा, और वो जो इमोशनल होने पर बातें करती है उसका क्या? लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, इस ड्रग के साथ उसे एक ऐसी दवाई दी गई थी जिससे वो अपने अंदर के सारे इमोशंस बाहर रखे। शायद वो लोग उसे खोखला कर देना चाहते थे ताकि वो अपने अंदर कुछ ना रख सके। ये किसी ऐसे इंसान के द्वारा दिया गया है जो आकांक्षा को अपने काबू में करना चाहता था। उस दवाई के थोड़े बहुत असर के कारण और तुझ पर इतना ट्रस्ट करने के कारण वो तुझे वो सब बताती है, बट उन लोगों ने शायद इस दवाई के साथ ही उसे इतना डरा कर रखा था कि वो अब उनका नाम लेने से भी घबराती है। लोग, हमें जल्दी इलाज शुरू करना होगा। श्लोक ने गहरी सांस ली और सोचा कि आखिर क्यों उसकी आकांक्षा के साथ ऐसा हो रहा। उसने कहा, पर तू जानता है ना उसे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, और इस ट्रीटमेंट में हमें उस इंजेक्शन ही देने होंगे। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ मेरी प्रिंसेस को बहुत डर लगता है, और उससे ज्यादा डर मुझे है उसे खो देने का। मैं उसके आंसू देख लूंगा और उसे अपने से दूर जाता नहीं देख पाऊंगा। ये कहते समय लक्ष्य की आंखों में आंसू थे। 2 दिन ऐसे ही बीते। लक्ष्य और श्लोक आकांक्षा के ट्रीटमेंट की प्लानिंग करने लगे। उन्हें आकांक्षा का फुल बॉडी चेकअप कराना था और इसके लिए उसे मनाना काफी मुश्किल काम था। वो लोग यही सोच रहे थे कि कैसे उसे मनाए। लक्ष्य और श्लोक अपनी कार में घर जा रहे थे। लक्ष्य ने कहा, भाई हमें जल्दी उसको ले जाना होगा। श्लोक ने आगे देखते हुए कहा, तू जानता है ये बहुत मुश्किल है और ये काम मैं नहीं कर सकता, वो तो तेरी प्यारी बहन है, तू ही मना उसे। ये कहते हुए उसने गाड़ी विला के अंदर पार्क की। वो दोनों अंदर जाने लगे, तभी उन्हें गार्डन से कुछ आवाज आई। वो दोनों गार्डन की तरफ चले गए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। एपिसोड 24, आकांक्षा की फाइटिंग स्किल्स और फ्लैशबैक। गार्डन में आकांक्षा ब्लैक कलर की लोअर टी शर्ट पहनकर खड़ी थी। उसका चेहरा काफी खतरनाक दिख रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और सामने वाले इंसान को मारने लगी। तभी वो इंसान झुक गया, तो फिर आकांक्षा ने अपना एक पैर उठाकर उसके पेट में लात मारी, जिससे वो दूर गिर गया। फिर वो इंसान गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और आकांक्षा की तरफ आने लगा। उसने आकांक्षा को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तो आकांक्षा बैक फ्लिप लेकर पीछे चली गई। ये उसने इतनी स्मूथली किया था कि कोई प्रोफेशनल भी इतने अच्छे से ना कर पाए। फिर उसने अपना एक पैर उठाकर सीधे उस आदमी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो आदमी नीचे गिर पड़ा। आकांक्षा ने अपने सिर से पसीना पहुंचा और अपना हाथ देते हुए कहा, मिस्टर हैंसम उठ जाइए। विपिन ने अपनी कमर पकड़कर उठते हुए कहा, मैडम मैं उठ जाऊंगा। ये कहकर वो खड़ा हो गया। लक्ष्य और श्लोक अभी भी हैरानी से अपना मुंह खोलकर खड़े थे। जैसे ही विपिन की नजर उन दोनों पर पड़ी, वो अपनी पीठ सीधी करके खड़ा हो गया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, वो श्लोक की गैंग का एक काफी अच्छा फाइटर था।
और वो अपने बॉस की वाइफ से यहाँ मार खा रहा था। और उससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि उसके बॉस ने ये देख लिया था। आकांक्षा ने जैसे ही लक्ष्य और श्लोक को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी नजर चुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी उसके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब तू तो गई अक्षु। उसने अपना सिर उठाया तो श्लोक उसे घूर कर देख रहा था। आकांक्षा ने अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप तो ऑफिस गए थे ना। श्लोक ने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, वहां पर मुझे याद आया कि मुझे मिसेस अग्निहोत्री की फाइट देखनी थी। अब तो आकांक्षा को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए। पिछले 7 दिनों से वो श्लोक के सामने बिल्कुल भी अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करती थी और ना ही विपिन के साथ फाइट की प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन श्लोक के जाने के बाद वो दिन भर सिर्फ प्रैक्टिस ही करती थी। संजय जी के यहाँ रहते हुए वकील साहब को आकांक्षा की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक प्राइवेट ट्रेनर वहां भेजा हुआ था, जिसने आकांक्षा को कई तरह की फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ गन शूटिंग भी सिखाई थी। आकांक्षा ये सब सीक्रेटली सीखा करती थी। यहाँ तक कि संजय जी और उसकी पत्नी राधा को भी नहीं पता था कि आकांक्षा इतनी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन उनके दिए गए इंजेक्शन के कारण आकांक्षा हमेशा कमजोर रहती थी, इसीलिए वो अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाती थी और ना ही उन लोगों से लड़ पाती थी। वैसे भी उसे यही लगता था वो लोग जैसे भी हों अब वही उसका परिवार था, इसीलिए वो उनका हर अन्याय सह लेती थी। वो अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में लक्ष्य की आवाज है। उसने कहा, मेरी प्रिंसेस तू फाइटर निकली, अरे क्या धोया है तूने इसे। ये कहते हुए उसने विपिन के कंधे पर एक मुक्का मारा, जिससे विपिन मुंह बनाकर लक्ष्य को देखने लगा। जैसे ही लक्ष्य ने विपिन को पॉइंट किया, विपिन ने महसूस किया कि कोई उसे बुरी तरह घूर रहा है। उसने अपना सिर उठाया तो उसके बॉस इस समय काफी खतरनाक लग रहे थे। श्लोक अभी विपिन से कुछ कहने वाला था कि आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, चलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाइए। ये कहते हुए वो उसे अंदर खींच कर ले जाने लगी। विपिन ने शुक्रगुजार होकर आकांक्षा की तरफ देखा, श्लोक भी उसकी तरफ देख रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि आकांक्षा क्या कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकांक्षा फ्रेश होकर नीचे आई। उसने नेवी ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना था और अपने लंबे बालों की वन साइड चोटी गुथ रखी थी। उसके कानों में बहुत ही प्यारे झुमके भी थे। इस समय वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई बटरफ्लाई अभी उड़कर आई हो। कोई कह ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले उसने एक 6 फुट के आदमी को हरा दिया था। वो तीनों टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि तभी आकांक्षा ने विपिन से कहा, मिस्टर हैंसम आप भी बैठो। श्लोक ने घूर कर आकांक्षा को देखा और फिर विपिन को, फिर उसने एक एक शब्द चिल्लाते हुए कहा, विपिन मैं चाहता हूं तुम अभी ऑफिस जाकर मेरा वेट करो। विपिन को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई हो। उसने मन में कहा, क्या मैंने बॉस को किसी तरह नाराज किया है। तभी उसके कानों में श्लोक की आवाज आई, क्या तुम जाना नहीं चाहते। यह सुनकर विपिन वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कोई हवा हो। आकांक्षा ने मुंह बनाकर श्लोक को देखा और कहा, आप हमेशा मिस्टर हैंसम को क्यों डराते हैं। श्लोक ने घूर कर आकांक्षा को देखा और कहा, बस एक बार फिर उसे मिस्टर हैंसम कहो। आकांक्षा ने जूस पीते हुए कहा, मिस्टर हैंसम। उसके शब्दों के खत्म होते ही श्लोक ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। इस समय दोनों के चेहरे एकदम पास थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर गिर रही थी। लक्ष्य को थोड़ी देर पहले एक फोन आया था जिस कारण वो बाहर चला गया था। इस समय टेबल पर सिर्फ आकांक्षा और श्लोक ही थे। श्लोक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर से कहो। आकांक्षा की आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसे ऐसा लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, श्लोक ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया, पर हाथों से नहीं अपने होठों से। वो एक छोटी सी किस थी, जैसे कोई पंख आकांक्षा के होठों को छू कर गुजर रहा हो। आकांक्षा वैसे ही पोजीशन में बैठी रही, तभी उसे लक्ष्य की आवाज आई, प्रिंसेस ऐसे क्यों बैठी हो।
आकांक्षा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि श्लोक खाना खा रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आकांक्षा ने खुद से कहा, मैं सपना देख रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अभी भी अपने होठों पर श्लोक के होठों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर झटका और सोचा, शायद मैं सच में सपना देख रही थी, और अपना खाना खाने लगा। पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि श्लोक अपना सिर नीचे करके धीरे से मुस्कुरा रहा था। खाना हो जाने के बाद श्लोक और लक्ष्य वापस जाने लगे। वो दोनों गेट तक ही पहुंचे थे कि श्लोक ने लक्ष्य से कहा, तू बाहर जा, मैं आता हूँ। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ हाँ, तुझे अच्छे से अपनी वाइफ को गुड बाय करना होगा ना, जा जल्दी। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। श्लोक अंदर आया, उसने देखा आकांक्षा थोड़ी दूर ही खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। श्लोक ने उसके पास आकर कहा, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, बट रिमेम्बर, तुम्हें मुझे रात को एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये कहते हुए उसने उसके गाल पर किस किया और उसका सिर थपथपाते हुए बाहर चला गया। आकांक्षा हैरानी से उसे देख रही थी। उसने मन में कहा, मुझे लगा ये भूल गए होंगे। अक्षु, अब तू क्या करेगी, तू तो यहाँ से भाग जा। फिर उसने अपने सिर पर मारते हुए कहा, पागल, कहाँ भागेगी, तेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है। वो सोफे पर बैठ गई और टॉम एंड जेरी देखने लगी। उसने टीवी देखते हुए खुद से कहा, देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे थोड़ा डांट देंगे। अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन। कैबिन में पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे वहां कोई हो ही ना। अभी उस शांत माहौल को चीरते हुए श्लोक की आवाज आई, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। विपिन, जो अपना सिर झुकाकर सामने खड़ा था, उसने कहा, बॉस, मैं बताना चाहता था, पर मैम के ऑर्डर्स थे। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, लगता है मेरी बहन तुम्हारी अगली बॉस बनने वाली है। लोक ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुझे नहीं लगता मैटर सीरियस है। ये सुनकर लक्ष्य चुपचाप बैठ गया। विपिन ने आगे कहा, बॉस, 6 दिन पहले जब हम जॉगिंग कर रहे थे तो मैम ने मुझसे कहा कि वो आपके ऑफिस जाने के बाद ट्रेनिंग करना चाहती है। पहले तो मुझे अजीब लगा, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो आपसे बात करें, तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें मना कर देंगे, इसीलिए मैं मान गया। पर जब मैंने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैं खुद हैरान हो गया था। मैम मार्शल आर्ट और कराटे में एक्सपर्ट थी, उनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। कुछ दिनों की ट्रेनिंग में ही वो अपने फॉर्म में आ गई थी, और आपने उन्हें आज देखा था ना, आज पहली बार मैंने उनसे फाइट की थी। श्लोक ने लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, देख, तू भी देख ले, तेरी बहन कैसी हरकतें कर रही है। लक्ष्य ने मुंह बनाया और कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने बस कुछ बताया नहीं। श्लोक ने थोड़ा गुस्से में कहा, तू कहना क्या चाहता है, मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए रोज सुबह 5 बजे उठ रहा था, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो रोज सुबह अकेले उठ रही है, और वो पूरा टाइम सिर्फ मुझे परेशान करती रहती थी। उसने एक दिन भी अच्छे से ट्रेनिंग या जॉगिंग नहीं की, वो मेरी एक भी बात नहीं मानती थी, और आज मुझे पता चल रहा है कि मैडम को पहले से ही सब आता है। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तेरी गलती है, तू मेरी बहन के साथ हमेशा रहता है, तो मुझे क्या इतना पता नहीं चला। लोक ने लंबी आह भरी और विपिन से कहा, तुम उसकी ट्रेनिंग जारी रखो और मुझे बताओ उसे और क्या आता है। विपिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर, मैम को गन शूटिंग भी आती है। विपिन की बात सुनकर लक्ष्य सोफे से गिर गया और उसने कहा, क्या उसे गन शूटिंग आती है। और फिर श्लोक की तरफ देखकर कहा, भाई, अब तो पक्का भगवान ने वो पीस तेरे लिए ही बनाया है। ये कहकर वो उठा, फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर अब जानना है कि आखिर क्यों वो इन सब में इतना सीरियस हो चुकी है। तूने उसका चेहरा देखा था, उस टाइम ऐसा लग रहा था वो किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती है। लोक ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा था, शुरू में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, और ना उसके मन में किसी से फाइट करने की इच्छा थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया इन 6 दिनों में। वहीं घर पर आकांक्षा टीवी के सामने बैठी थी और याद कर रही थी कि 6 दिन पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक। आकांक्षा बैठकर टीवी देख रही थी और बार बार चैनल चेंज कर रही थी, तभी उसे न्यूज में एक जाना पहचाना चेहरा देखा।
और उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने देखा कि बड़े से विला के सामने कई सारे न्यूज रिपोर्टर खड़े थे। तभी उस विला से दो कार बाहर आई। थोड़ी देर बाद न्यूज में एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अरोड़ा कॉरपोरेशन लिखा था। ये नाम पढ़ते ही आकांक्षा की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। उसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट को और कस लिया। तभी न्यूज में दो लोगों का चेहरा दिखा जो बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। उसमें से एक आदमी थोड़ा बूढ़ा था और दूसरा आदमी जवान दिख रहा था। बूढ़े आदमी से न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर संजय, ये आपके दोस्त की कंपनी थी और अब ये आपके नाम है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संजय जी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। उसके कारण मैं अपने बिजनेस को बढ़ा पाया था। अगर वो इस समय मेरी मदद नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तभी प्रशांत ने संजय जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप अंकल को दुखी मत कीजिए, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर प्रशांत, कहा जाता है कि संजय जी ने आपको गोद लिया था और आप इनकी कंपनी में काफी बड़ी पोस्ट पर काम भी करते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं ये सब आपने संजय जी की मदद से किया है? इस बार संजय जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, प्रशांत ने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं इस कंपनी के ओनर महेश राठी की बेटी आकांक्षा राठी कहाँ है? हमारे सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि आपने उन्हें घर में बंद करके रखा था। ये सुनते ही संजय के हाव भाव थोड़े बदल गए। तभी प्रशांत ने आगे आकर कहा, जो भी आपने सुना है वो सब गलत है। आकांक्षा काफी समय से एक बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और कुछ समय पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये रही मेडिकल रिपोर्ट। ये कहते हुए उसने एक रिपोर्ट आगे कर दी। उसमें लिखा था, आकांक्षा को पिछले 8 सालों से अपने माता पिता की मौत के कारण सदमा लगने से एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिससे वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी और किसी के सामने नहीं आती थी। कुछ समय पहले उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उसकी मौत हो गई। संजय जी ने रोते हुए कहा, उसे मैंने अपनी बेटी से भी ज्यादा माना था, ये सब कुछ उसका था, पर जाते जाते वो ये सब मुझे देकर चली गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मैं कभी भी उसका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। और उसके पिता ने जो ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, उसे इसी तरह बनाकर रखूंगा। एक रिपोर्टर ने कहा, तो आपने इसका नाम क्यों बदला? आप इसे राठी कॉरपोरेशन भी तो रहने दे सकते थे। संजय जी ने अपनी मुट्ठी बंद करके खुद से कहा, इस रिपोर्टर को ऐसे सवाल पूछने की जरूरत क्या है? साले वो बाप बेटी तो मर गए पर अपनी छाप छोड़कर चले गए। उन्होंने रोते हुए कहा, ये मेरा नहीं आकांक्षा का ही फैसला था। वो चाहती थी कि वो मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम हो। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। प्रशांत भी अंदर जा ही रहा था कि तभी एक रिपोर्टर ने उससे कहा, मिस्टर प्रशांत, कुछ लोगों का कहना है कि आप मिस आकांक्षा से प्यार करते थे। प्रशांत के चेहरे पर कुछ पल के लिए उदासी आ गई, पर तभी उसने कहा, मैंने उसकी बचपन से देखभाल की है, पर उसे प्यार नहीं कह सकते। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। फ्लैशबैक ओवर। आकांक्षा ने टीवी बंद कर दिया। इस समय उसका चेहरा कोरे कागज की तरह सफेद हो चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और उस पेंटिंग को देखने लगी। उसने उस पेंटिंग में अपने मम्मी पापा को देखते हुए कहा, उस इंसान ने हमारा सब छीन लिया मम्मी, अब मैं उससे उसका सब छीन कर रहूंगी और आप दोनों की मौत का बदला भी लूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ये आखिरी आंसू है संजय और प्रशांत, जो मैं तुम्हारे कारण बहा रही हूं। एपिसोड 25, आवर फर्स्ट किस। शाम को जब श्लोक घर आया तो आज उसके साथ लक्ष्य भी आया था। उन दोनों ने जैसे ही घर में कदम रखा, श्लोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और लक्ष्य ने ये नोटिस कर लिया। उसने कहा, क्या बात है भाई, अब तक तो तू अंदर भी नहीं गया और तेरे होठ अपने आप मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बहन का जादू ही ऐसा है। तभी उसने ध्यान से सुना, उसे अंदर से कुछ आवाज आ रही थी।
वो कुछ कहने वाला था कि श्लोक ने कहा, अंदर तो तू चल, तू भी ऐसे ही मुस्कुराएगा। जैसे ही वो दोनों अंदर बढ़ने लगे, आवाज तेज होने लगी। लिविंग रूम से उन्होंने किचन की तरफ देखा। आकांक्षा रेड कलर की फ्रॉक पहनकर और व्हाइट एप्रन पहने काउंटर के पास खड़ी थी। उसके सारे बाल एक मैसी बन में बंधे थे और वो गाना गाते हुए खाना बना रही थी। लक्ष्य ने उस तरफ देखकर कहा, अब समझा मेरी बहन के डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। लक्ष्य के मुंह से अपने लिए डॉक्टर साहब सुनकर श्लोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, खबरदार जो ये मुझे शब्द कहे। तुझे अच्छे से पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे डॉक्टर कहे। लक्ष्य ने मुंह बनाया और कहा, अच्छा लेकिन आकांक्षा तो तुझे रोज यही कहती है। श्लोक ने बिना सोचे समझे कहा, उसकी बात अलग है। लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगा। वो दोनों वहीं बैठकर आकांक्षा का गाना सुनने लगे और किचन से आ रही खाने की खुशबू का मजा लेने लगे। लेकिन लास्ट लाइन गाते समय आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे प्रशांत का चेहरा याद आ गया था। वो जैसे उसकी केयर करता था, उससे बात करता था, पर उसे क्या पता था वो सब एक छलावा था जो उस दिन जर्मनी में खत्म हो गया। जैसे ही उसे वो सब याद आया, उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया जहां वो घाव था। थोड़ी देर बाद उसे अपने उसी हाथ पर एक गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करने लगी। तभी आंसू की एक बूंद उसकी आंखों से बहकर उसी हाथ पर जा गिरा जिसने उसे पकड़ा था। तभी उस हाथ की पकड़ उस पर और मजबूत हो गई। श्लोक आराम से आकांक्षा का गाना सुन रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज कुछ अलग थी। आज उसमें एक दर्द था जो श्लोक को अपने दिल में चुभ रहा था। वो उठा और किचन में चला गया। उसने देखा कि आकांक्षा खोई हुई सी गाने की आखिरी लाइन गा रही थी। वो उसके पास गया और पीछे से उसे चुपचाप गले लगाकर खड़ा हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस ऐसा करके आकांक्षा को बताना चाहता था कि वो है उसके पास। पर जैसे ही आकांक्षा का आंसू उसके हाथ पर गिरा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो और उसने अपनी पकड़ उस पर कस दी। और वो हर उस इंसान को कब्र में जिंदा डाल देना चाहता था जिसके कारण आकांक्षा दुखी थी। थोड़ी देर बाद उसने आकांक्षा को अपनी तरफ घुमाया और कहा, आज तो पक्का खाने में नमक ज्यादा होगा। आकांक्षा ने ना समझी में उसे देखा और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो सब अच्छे से बनाया है। तभी श्लोक ने कहा, तुम इतने मोटे मोटे आंसू गिराओगी तो खाना तो खारा होगा ही ना। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, रुकिए। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े चाकू को श्लोक के पीछे लेकर भागने लगी। श्लोक ने भी उसे एक आंख मारी और भाग गया, जिससे आकांक्षा और गुस्सा हो गई और उसके पीछे भागने लगी। श्लोक भी हंसते हुए भाग रहा था। वो दोनों पूरे घर में दौड़ रहे थे। आकांक्षा का चिल्लाना और श्लोक का हंसना घर के हर कोने में गूंज रहा था। सभी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, खासकर लक्ष्य जो अभी अपने कमरे से बाहर आया था। श्लोक के किचन में जाने के बाद वो कमरे में चला गया था क्योंकि वो उन्हें अकेले वक्त देना चाहता था। इस समय उसके हाथ में फोन था जिससे वो उनका वीडियो बना रहा था। भागते भागते वो दोनों कमरे में आ चुके थे। श्लोक बेड के एक तरफ खड़ा था और आकांक्षा दूसरी तरफ खड़ी थी। आकांक्षा गुस्से से उसे घूर रही थी और श्लोक उसे शरारत से उसे चिढ़ाते हुए उसे अपने पास बुला रहा था। अब तो आकांक्षा और भी चढ़ गई और उसकी तरफ आने लगी, पर इस बार श्लोक अपनी जगह से नहीं हिला। आकांक्षा उसे कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी उसका पैर कारपेट में फंस गया और वो श्लोक के साथ बेड पर गिर गई। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी और घूर कर उसे देख रही थी। श्लोक ने आकांक्षा के बिखरे बाल ठीक किए और कहा, अच्छा ठीक है, ये कहकर वो फिर चुप हो गया। आकांक्षा उसे ध्यान से देख रही थी कि तभी श्लोक ने आगे आके कहा, तो मैं वो ज्यादा नमक वाला खाना खा लूंगा, आखिर तुमने हमारा नमक बचाया अपने आंसू डालकर। ये कहकर वो हंसने लगा। आकांक्षा ने जब उसकी वो बातें सुनी और हंसते देखा तो उसने गुस्से में श्लोक के होठों पर जोर से काट लिया।
जिससे श्लोक अपनी जगह जम गया। पर जैसे ही उसे अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, उसने आकांक्षा को पलट कर अपने नीचे ले लिया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। श्लोक के होठों पर अभी भी थोड़ा सा खून था। वो इस समय ऐसा वैम्पायर लग रहा था जिसके सामने उसका शिकार हो। उसने आकांक्षा की आंखों में देखा और कहा, मतलब मैं सही था, तुम एक चूहा ही हो। आकांक्षा जो अभी अपने किए पर पछता रही थी, उसने श्लोक को घूर कर देखा और कहा, आपने फिर से मुझे चूहा कहा, मैं अगर चूहा हूं तो आप बेशरम और ठरकी हो। इस समय उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। श्लोक ने कहा, अच्छा तो तुम चूहा नहीं हो तो तुमने मुझे क्यों काटा? आकांक्षा के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। श्लोक ने अपनी एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और कहा, टाइम टू रिवेंज। ये कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। आकांक्षा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। श्लोक ने उसका वो घबराया हुआ चेहरा देखा और धीरे से उसके होठों पर एक लाइट किस कर दी। आकांक्षा को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सोचा, ये एहसास, ये तो वही एहसास और गर्मी थी जो मुझे सुबह महसूस हुई थी। उसने मुंह बनाकर श्लोक को देखा और कहा, आप बहुत बुरे हैं। श्लोक ने अपनी आईब्रो ऊपर की और कहा, और वो कैसे? आकांक्षा ने कहा, आपने मुझे सुबह भी किस किया और अभी भी, आप ना सच में बहुत बुरे हैं। आकांक्षा की बात सुनकर श्लोक जोर जोर से हंस रहा था। वो आकांक्षा के साइड में लेट गया। उसने कहा, तो तुम इसे किस कहती हो? आकांक्षा उठकर बैठ गई और उसने कहा, और नहीं तो क्या, मैंने मूवीज में देखा है, ये ऐसे ही होता है। श्लोक को उसकी क्यूटनेस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर लिया और कहा, लगता है तुमने बच्चों वाली फिल्में देखी है, वैसे भी तुम तो कार्टून्स ही देखती हो। आकांक्षा ने कहा, डॉक्टर साहब जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। श्लोक ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, और वापस से उसे अपने नीचे ले लिया। आकांक्षा के बाल पूरे बेड पर बिखर गए थे। ऐसा लग रहा था वो चादर पूरी ब्लैक कलर की है। श्लोक की नजर आकांक्षा के माथे पर गई, जहां कुछ लाल दिख रहा था। उसने अपना हाथ वहां रखा तो वो लाल रंग उसके हाथों में भी आ गया। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, मुझे लगा तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, पर ये सिंदूर बता रहा है कि तुम भी इससे शादी को मानती हो। आकांक्षा ने श्लोक को ख्यालों में खोया देखा तो उसने कहा, डॉक्टर साहब जाने दीजिए ना। श्लोक ने उसके चेहरे की तरफ झुककर कहा, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब को तुम्हें एक लेसन सिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से आकांक्षा के गालों को पकड़ा और उसके कान के पास जाकर कहा, जस्ट ब्रीथ इन योर नोज, ठीक है? ये कहकर उसने अपने होठ आकांक्षा के होठों पर रख दिए और सॉफ्टली उन्हें किस करने लगा। आकांक्षा नहीं जानती थी कि अभी क्या हुआ, पर उसने श्लोक की शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में कस ली। श्लोक एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ आकांक्षा के गाल पर था। उसने धीरे से उस हाथ से आकांक्षा के गालों को प्रेस किया, जिससे उसका मुंह खुल गया। उसने तुरंत ही अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर की और उससे खेलने लगा। वो महसूस कर सकता था कि आकांक्षा का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। वो जितना सॉफ्ट हो सकता था उतनी सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। वो चाहता था कि उनकी फर्स्ट किस उनके लिए हमेशा यादगार रहे। धीरे धीरे वो किस लॉन्ग और पैशनेट होती चली गई। जब श्लोक को लगा कि आकांक्षा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उससे अलग हुआ। उसने अपना माथा उसके माथे से लगाते हुए कहा, दैट्स वी कॉल किस, आवर फर्स्ट किस। ये कहते हुए वो उठा और बाहर चला गया। आकांक्षा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। वो उठकर बैठी और अपने कपड़े ठीक करके बाहर जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसका मन किया कि वो बाहर ही ना जाए। पर उसके लक्ष्य भैया भी तो बाहर थे और उसे भूख भी लगी थी। आखिरकार अपनी भूख से हार कर उसने नीचे जाने का फैसला किया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि सर्वेंट ने पहले ही खाना टेबल पर लगा दिया है।
उसने खुद को नॉर्मल किया और नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने अपनी नजरें तिरछी करके श्लोक को देखा और खुद से कहा, इस आदमी के चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं आते हैं, जबकि इन्होंने अभी मेरे साथ, नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना उस बारे में। ये सोचते हुए वो अपनी प्लेट में खाना लेने लगी। लक्ष्य ने कहा, प्रिंसेस क्या कर रही हो? आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा तो लक्ष्य ने आगे कहा, देखो तुमने खाने में क्या लिया है। आकांक्षा ने जब अपनी प्लेट की तरफ देखा तो उसमें व्हाइट सॉस पास्ता था। लक्ष्य मुस्कुराया और उसने कहा, क्या तुम्हें भी अब ये पसंद है? मुझे लगता है श्लोक का टेस्ट तुम्हें काफी पसंद आने लगा है। लक्ष्य ने ये बात ऐसे ही कह दी थी, पर ये सुनकर आकांक्षा को अभी थोड़ी देर पहले हुई किस याद आ गई। श्लोक भी समझ गया कि आकांक्षा क्या सोच रही है। उसने उसकी प्लेट अपनी तरफ की और दूसरी प्लेट में मलाई कोफ्ता सर्व करके उसे दे दिया। खाना खाने के बाद आकांक्षा वहां से तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। श्लोक ने जब कमरे में जाकर देखा तो आकांक्षा बालकनी में खड़े होकर पेंटिंग बना रही थी। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और नीचे बने बार काउंटर पर आ गया, जहां लक्ष्य पहले से ही बैठा था। लक्ष्य ने उसे एक ड्रिंक दी और कहा, आई कांट रिमेम्बर लास्ट टाइम तू इतना खुश कब था। श्लोक के चेहरे पर जो सुकून और खुशी दिख रही थी वो एक पल के लिए गायब हो गई। वो पिछले 6 सालों में अच्छे से मुस्कुराया भी नहीं था, जब से उसके पापा उसे छोड़कर गए थे। पर आकांक्षा के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने बैठकर वो ड्रिंक पी और कहा, आई थिंक डैड ने ही उसे मेरे लिए भेजा है। जब से वो लाइफ में आई है कुछ तो हैप्पीनेस आ गई है। लक्ष्य ने दूसरी ड्रिंक ली और कहा, इसे थोड़ी नहीं बहुत सारी कहते हैं, मुझे मेरी बहन पर प्राउड है। आखिर उसने एक पत्थर दिल इंसान को हंसना जो सिखाया है। इस बार श्लोक ने उससे बहस नहीं की, फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हमें उसे कल हॉस्पिटल ले जाना होगा। लक्ष्य भी अब मजाक के मूड में नहीं था, उसने कहा, मैं उससे बात करता हूँ। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया। लक्ष्य उठा और आकांक्षा के कमरे की तरफ चला गया। उसने देखा कमरा पूरा खाली था। वो थोड़ा अंदर गया तो उसे बालकनी में एक दुपट्टा दिखा। वो समझ गया कि वहां आकांक्षा थी। उसने प्लेन येलो कलर का सूट पहना था और वो अपने हाथ में ब्रश लेकर पेंटिंग कर रही थी। लक्ष्य जाकर उसके पास बैठ गया। उसने उस पेंटिंग को देखा जिसमें बारिश हो रही, जो पानी की बूंदों में गिरकर नीचे फूलों की पंखुड़ियां बनकर बिखर रही थी। दिखने से ऐसा लग रहा था कि आसमान से फूलों की बारिश हो रही हो। जमीन के थोड़ा सा नीचे आने के पहले वो बूंदे गुलाबी कलर की पंखुड़ियों में बदल रही थी। वहीं कई सारी तितलियां भी दिख रही थी, जो दूर बने किसी बगीचे की तरफ जा रही थी। ध्यान से देखने पर उन तितलियों में उन्हीं की जैसी एक छोटी सी परी दिख रही थी, जिसके पंख उन तितलियों की तरह ही थे। वो उनके साथ जाना चाहती थी, पर एक बेल ने उसके एक पैर को बांध कर रखा था, जिससे वो छूट नहीं पा रही थी। लक्ष्य उस पेंटिंग में गहराई से डूब चुका था, पर आकांक्षा को तो नहीं पता था कि उसके सामने कोई बैठा है। तभी उसे आवाज आई, प्रिंसेस क्या थोड़ी बात कर सकते हैं? आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य को देखा और हाँ में सर हिला दिया। लक्ष्य ने एक पेंसिल और पेपर लिया और उसे टेबल पर रखकर कुछ ड्रॉ करने लगा। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया। उसने नीचे देखा तो लक्ष्य ने आड़ी तिरछी लाइन खींचकर दो लोग बनाए थे, जिसमें एक छोटी लड़की थी जो एक बड़े लड़के का हाथ पकड़कर खड़ी थी। आकांक्षा ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई ये हम दोनों है ना? लक्ष्य ने वो पेंसिल नीचे रखी और कहा, हाँ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, आकांक्षा ने कहा, बोलो ना भाई। लक्ष्य गहरी सांस ली और कहता है, हम कल हॉस्पिटल जाने वाले हैं। एपिसोड 26। आप सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। आकांक्षा ने चिंता में लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, हॉस्पिटल क्यों भाई? क्या किसी की तबीयत खराब है, आपकी या डॉक्टर साहब की? ये कहते हुए वो उठकर बाहर जाने लगी। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंसेस बैठो। आकांक्षा शांति से बैठ गई। उसने अपने हाथ में रखी बुक को साइड में रखा और एक फाइल को आकांक्षा को दिखाया और कहा, इसमें तुम्हारे ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट है। आकांक्षा का हाथ एक पल के लिए कांप उठा। उसने अपनी डरी हुई आंखों से लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना
तुम्हें कोई दवाई कई सालों से दी जा रही थी। इस बात पर आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्य ने आगे कहा, वो एक तरह का ड्रग था जिससे तुम्हारी बॉडी बुरी तरह इफेक्ट हो चुकी है। आकांक्षा, हम तुम्हारा चेकअप कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं। आकांक्षा उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो दौड़कर कमरे के बाहर चली गई। श्लोक बाहर ही खड़ा था और उन दोनों की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आकांक्षा को इस तरह भागते देखा तो उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। आकांक्षा पैनिक होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्लोक ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, आकांक्षा। आकांक्षा उसकी आवाज सुनकर एकदम शांत हो गई। श्लोक उसे कमरे में ले गया और बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, ऊपर देखो आकांक्षा, मेरी आंखों में देखो। आकांक्षा ने अपना सिर उठाकर श्लोक की आंखों में देखा, जिससे एक पल में ही उसका सारा डर खत्म हो गया। श्लोक का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। आकांक्षा के हाथों की कंपन खत्म होने लगी थी। श्लोक ने कहा, प्लीज मान जाओ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई और मैं तुम्हें खो दे? क्या तुम हमें खो देना चाहती हो? बात इतनी सीरियस नहीं है, बस एक बार वहां जाना है। आकांक्षा ने लक्ष्य की तरफ देखा और उसके गले लगकर कहा, नहीं, मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे कहीं नहीं जाना। लक्ष्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसके सिर को तब तक सहलाता रहा जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। फिर दोनों ने उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और बाहर आ गए। लोक ने अपने माथे को अपनी दो उंगलियों से प्रेस किया और कहा, उसे देखकर समझ में आ रहा है कि उसे अपनी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था और शायद उसने अपने मन में ये वहम बना दिया है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। लक्ष्य ध्यान से श्लोक की बातें सुन रहा था। श्लोक एक इनक्रेडिबल डॉक्टर था। पेशेंट्स को देखकर वो उसके मन की बात समझ जाता था, पर ये बहुत बुरी बात थी कि अब वो उस प्रोफेशन को अपना नहीं सकता था। लक्ष्य ने कहा, श्लोक, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर मुझे नहीं लगता कि कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। अगर हम जल्दी शुरू करेंगे तो ठीक यही रहेगा। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। जब श्लोक कमरे के अंदर आया तो उसने आकांक्षा का चेहरा देखा, जो चांद की रोशनी में बहुत सुंदर दिख रहा था। उसने उसके पास बैठकर अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसके माथे पर किस करके साइड में लेट गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक तरफ का बेड खाली है। उसने घड़ी की तरफ देखा, 5:30 बज रहे थे। वो उठकर खड़ा हुआ और बाथरूम और बाकी जगह पर चेक करने लगा, लेकिन उसे आकांक्षा कहीं नहीं मिली। उसने बालकनी से देखा तो आकांक्षा गार्डन में मेट बिछाकर योगा कर रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हल्के हल्के घास पर फैले थे, हवा के झोंके उन्हें पीछे धकेल रहे थे। आकांक्षा अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थी। श्लोक ने गहरी सांस ली और अपना फोन देखा। उसमें लक्ष्य का मैसेज था कि उसे लेट नाइट हॉस्पिटल जाना पड़ा एक इमरजेंसी केस के लिए। उसने श्लोक से कहा था कि वो सीधे आकांक्षा को हॉस्पिटल ले आएगा। श्लोक ने चेंज किया और गार्डन में आ गया। आकांक्षा अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने एक पैर को फोल्ड करके योगा कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। आकांक्षा ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसके सामने श्लोक का चेहरा था। उगते हुए सूरज की किरणें दोनों पर पड़ रही थी। श्लोक ने आकांक्षा को खड़ा किया और कहा, आज विपिन नहीं आया? आकांक्षा ने एक्सरसाइज करते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम नहीं आने वाले, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था। श्लोक ने घूर कर आकांक्षा को देखा और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसे मिस्टर हैंडसम मत कहा करो। आकांक्षा ने पुल डाउन करते हुए कहा, अरे वो हैंडसम है तो उन्हें हैंडसम ही कहूंगी ना। तभी श्लोक ने एक झटके में खींच कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया, जिससे आकांक्षा की नाक श्लोक से सीने से टकरा गई। उसने गुस्से में श्लोक की तरफ देखा और कहा, मुझे लग गई। श्लोक ने उसे घूर कर देखा और कहा, तो तुम ऐसे शब्द कहती ही क्यों हो कि तुम्हें चोट लग जाए? ये कहकर उसने उसे उसकी कमर से पकड़कर
ऊपर उठा दी। अब आकांक्षा के दोनों पैर हवा में थे और उसके हाथ श्लोक के कंधे पर थे। श्लोक ने उसे जोर से घुमाया और नीचे खड़ा कर दिया। आकांक्षा का सिर चकराने लगा था। उसने श्लोक की बाजू पकड़ी और खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए श्लोक को देखकर कहा, एक बार फिर से। श्लोक ने अपनी आईब्रोज ऊपर करके उसे देखा और वापस उसे उठाकर गोल घुमाने लगा। आकांक्षा जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हाइट श्लोक से कम थी। जब श्लोक आकांक्षा को उठाकर घुमा रहा था तो ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कोई बच्चा हो। आकांक्षा की खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद श्लोक का पैर घास में फंस गया और वो नीचे गिर गया, जिससे आकांक्षा उसके ऊपर आ गिरी थी और वह अभी भी हंस रही थी। उसने श्लोक की तरफ देखा और कहा, मजा आ गया, आप तो बहुत स्ट्रांग है। श्लोक ने मुंह बनाया और कहा, सच में तुम्हें उठाने में काफी ताकत लग गई, तुम्हारा वेट कितना ज्यादा है। आकांक्षा ने उसके सीने पर पंच मारकर कहा, आपने मुझे मोटी कहा। श्लोक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद को मोटी कहा। आकांक्षा सोच में पड़ गई। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर श्लोक अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। आकांक्षा एक तक उसका चेहरा देख रही थी। हल्की हल्की धूप में दोनों का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। श्लोक ने धीरे से कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी उसके कानों में आकांक्षा की आवाज पड़ी। उसने कहा, आप सबसे ज्यादा हैंडसम है। ये कहकर वो उसके ऊपर से उठकर भागने वाली थी कि तभी श्लोक ने उसे उसकी कमर से पकड़कर वापस नीचे खींच लिया और कहा, तो मैं विपिन से भी ज्यादा हैंडसम हूँ। आकांक्षा ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, विपिन से? श्लोक ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए श्लोक को देखा और कहा, लगता है आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे बोलने से या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो श्लोक के पास कोई जवाब ही नहीं था। आकांक्षा ने श्लोक को खोए हुए देखा तो वो धीरे से उसके पास से उठकर जाने लगी। पर श्लोक आकांक्षा को इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसने वापस उसे अपने ऊपर लिया और कहा, मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने में तुम ही तो मेरी मदद कर सकती हो। आकांक्षा असमंजस में उसे देखने लगी। श्लोक ने आगे कहा, मेरी तारीफ करो। आकांक्षा उस इंसान को देख रही थी जो उसे ये कह रहा था कि वो उसकी तारीफ करे। आकांक्षा ने सोचते हुए कहा, आप बिल्कुल हॉलीवुड के। श्लोक उसके आगे कहने का इंतजार करने लगा। आकांक्षा ने कहा, आप हॉलीवुड के विलन के पीछे खड़े होने वाले उसके सबोर्डिनेट की तरह लगते हैं। ये कहते हुए वो भाग गई। श्लोक अभी भी आकांक्षा की बातें अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था। जब उसे अपने ऊपर वेट महसूस नहीं हुआ तो उसे पता चला कि आकांक्षा भाग गई। वो हल्का सा मुस्कुराया और जिम में चला गया। श्लोक जब कमरे में आया तो आकांक्षा अपने सूट की डोरी बांध रही थी। उसके गीले बाल उसके कंधे की एक तरफ थे और वो अपने दोनों हाथ पीछे करके डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी परेशान थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये डोरी रहती क्यों है? एक काम करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसने अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने आईने की तरफ देखा तो उसे श्लोक का अक्स दिखाई दिया। वो एक टक उस तरफ देखने लगी। श्लोक अपनी नजरें झुकाकर आकांक्षा की डोरी बांध रहा था। उसकी उंगलियां जैसे जैसे आकांक्षा की पीठ को छू रही थी, उसे एक सिरहन सी महसूस हो रही थी। डोरी बांधकर श्लोक आकांक्षा के कंधे की तरफ झुका और उसके कान में कहा, मिसेस अग्निहोत्री, ये डोरी सिर्फ मेरे लिए है, ये भी चाहती है कि मैं इसे बांधू। ये सुनकर आकांक्षा के गाल गुलाबी होने लगे थे। वो ना तो पीछे जा सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी वहीं रह गई थी। श्लोक ने धीरे से उसके कान पर बाइट किया और वॉशरूम में चला गया। आकांक्षा को वॉशरूम का गेट बंद होने पर होश आया। उसने चिढ़ते हुए उस दरवाजे को देखा और कहा, इनका बहुत ज्यादा होते जा रहा है। और फिर उसने अपने कान पर हाथ रखकर कहा,
फिर मैं इन्हें रोकती क्यों नहीं हूँ? अक्षु, तुझे क्या हो गया है? ये सोचते हुए वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। आकांक्षा ने आसपास देखते हुए कहा, लक्ष्य भैया कहाँ है? लोक ने खाना खाते हुए कहा, वो हॉस्पिटल में है, हमें वो वहीं मिलेगा। जब श्लोक ने आकांक्षा की तरफ देखा तो आकांक्षा फिर से दूध के ग्लास को घूर रही थी। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमेशा इसे ऐसे घूरती हो, एक दिन ये तुम्हारे घूरने से टूट जाएगा। आकांक्षा ने मासूमियत से श्लोक की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पीना। श्लोक ने अपना खाना खाते हुए कहा, ठीक है मत पियो। आकांक्षा ने अपनी चमकती हुई आंखों से श्लोक को देखा, तभी उसके कानों में वापस उसकी आवाज आई, अगर तुम्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें सेकंड लेसन सिखाता हूँ, लेट्स किस अगेन। ये कहते हुए वो उसके करीब आ चुका था। आकांक्षा को श्लोक की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने श्लोक की आंखों में देखा, इसमें उसे अपने लिए जज्बातों का सैलाब दिखा। वो उसमें इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब श्लोक ने वो दूध उसे पिला दिया। जब उसने वो ग्लास उसकी आंखों के सामने हिलाया तब वो होश में आई। उसने मुंह बनाकर श्लोक को देखा और कहा, मुझे बताइए आप क्यों इतने बेशरम हैं? ये कहते हुए वो उठकर जाने लगी। जब वो उसके पास से गुजरी तो श्लोक ने उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसका मंगलसूत्र देखते हुए कहा, डर लग रहा है? ये सुनते ही आकांक्षा के हाथ श्लोक के कंधों पर कस गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। श्लोक ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जस्ट रिमेम्बर दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। ये कहकर उसने आकांक्षा के माथे पर किस कर लिया और कहा, लेट्स गो, या फिर तुम चाहो तो हम सेकंड लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहकर वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। आकांक्षा उठकर खड़ी हुई और उसने बाहर भागते हुए कहा, डॉक्टर साहब चलिए, भाई इंतजार कर रहे होंगे। हॉस्पिटल में आकांक्षा हॉस्पिटल गाउन में खड़ी थी। उसे टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था। उसने श्लोक का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। श्लोक ने धीरे से उसका सिर हिलाया और कहा, मैं यहीं हूँ। आकांक्षा ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और फिर नर्स के साथ चली गई। श्लोक और लक्ष्य उसके कैबिन में बैठे थे। श्लोक का चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। लक्ष्य ने उसे कॉफी दी और कहा, रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगी। श्लोक ने गहरी सांस ली और कॉफी पीने लगा। लगभग 3 घंटे बाद आकांक्षा के सारे टेस्ट खत्म हो गए, जिसके बाद वो काफी थक गई थी। इस समय वो श्लोक के साथ लक्ष्य के कैबिन में बैठी थी। वहां खड़ी दो नर्स कब से श्लोक को घूरे जा रही थी। श्लोक कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता था, यहाँ तक कि वो उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह अटेंड करता था कि कोई उसका फेस ना देख पाए, इसीलिए उसे इंडिया में भी बहुत कम लोग जानते थे। एक नर्स ने अपने सामने वाली नर्स से कहा, यार देख तो वो कितना हैंडसम है, मैंने तो इतना हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा। दूसरी नर्स जो घूर कर श्लोक को देख रही थी उसने कहा, हाँ यार मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इसे देखकर। इन सब बातों से अनजान श्लोक आकांक्षा का हाथ धीरे धीरे सहला रहा था। उन दोनों का हाथ टेबल के नीचे होने के कारण किसी को दिख भी नहीं रहा था। एपिसोड 27, मौत का डर और श्लोक की बेचैनी। आकांक्षा ने उन दोनों लड़कियों की बातें सुन ली थी। उसने गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देखा और फिर श्लोक की तरफ देखकर कहा, अभी मुझे घर जाना है। श्लोक जो लक्ष्य से आकांक्षा के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसके इन अचानक कहे शब्दों से चौंक गया था। उसने आकांक्षा की तरफ देखा, जिसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था, और वो बार बार उन दोनों नर्स को देख रही थी। श्लोक ने भी उस तरफ देखा और वो समझ गया कि आकांक्षा क्या चाहती है। उसने आकांक्षा को एक स्माइल पास की और कहा, थोड़ी देर में चलते हैं वाइफी। लक्ष्य जो उनकी बातें सुन रहा था उसने कहा, थोड़ी शर्म कर लो, मैं भी यही हूं। ये सुनकर आकांक्षा बुरी तरह शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। श्लोक ने धीरे से उसके कान में कहा, नॉट बैड, तुम्हारे मुंह से अभी बहुत अच्छा साउंड कर रहा था। आकांक्षा ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं मुझे आपको डॉक्टर साहब कहना ही पसंद है।
लोक ने कहा। अब बीवी की इच्छा के आगे तो सबको हारना पड़ता है। उन दोनों को ऐसे बातें करता देख लक्ष्य मुस्कुरा रहा था और उन दोनों नर्स का मुंह तर गया था। आकांक्षा ने जब उनका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी और फिर वो वहां से चली गई। एक नर्स ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या यार, ये तो मैरिड है, ऊपर से इसकी वाइफ भी कुछ ज्यादा ही सुंदर है। लक्ष्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारा मेरी बहन को देखना हो गया हो तो अपना काम करो। अब तो ये उनके लिए एक और झटके की बात थी कि वो लड़की डॉक्टर लक्ष्य की बहन थी। कार में आकांक्षा और श्लोक बैक सीट पर बैठे थे। आकांक्षा खिड़की के बाहर देख रही थी। कार में पूरी तरह शांति थी। काफी समय बाद आकांक्षा ने कहा, डॉक्टर साहब। श्लोक ने आकांक्षा की तरफ देखा, वो अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने आगे कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं मर गई तो? उसका इतना ही कहना था कि श्लोक ने खींचकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया और अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखने लगा। आकांक्षा भी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। श्लोक ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया और कहा, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकांक्षा धीरे से मुस्कुराई और उसने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे मरने की इजाजत नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे खुद मार देंगे। श्लोक ने उसे और कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम्हें मार के मैं खुद ही मर जाऊंगा। ये सुनकर आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा, बस सुकून से श्लोक के सीने पर सर रख लिया और उसकी तेज धड़कनों को सुनने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। श्लोक को ऑफिस निकलना था, इसीलिए उसने आकांक्षा को विला छोड़ा और कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर आकांक्षा श्लोक को खुद से दूर जाता देख ना जाने क्यों बेचैन हो रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। उसने कमरे में जाकर चेंज किया और बालकनी में जाकर कैनवस पर पेंटिंग करने लगी। वो अपने ख्यालों में श्लोक के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। जब उसकी पेंटिंग खत्म हुई तो उसने देखा कि उसने अपना और श्लोक का पोर्ट्रेट बनाया हुआ था, जिसमें वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। आकांक्षा के गाल उसमें थोड़े गुलाबी दिख रहे थे और श्लोक की गहरी आंखें उसे प्यार से देख रही थी। आकांक्षा हैरानी से उस पेंटिंग को देख रही थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में डॉक्टर साहब के लिए इतना फील करने लगी हूँ? वो मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। ये सोचते हुए वो लगातार उस पेंटिंग को देखे जा रही थी। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। श्लोक जब से ऑफिस आया था सबकी बैंड बजी हुई थी। आज वो सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों से रिपोर्ट मांग रहा था और थोड़ी सी भी गलती दिखने पर उन्हें तब तक बोल रहा था जब तक वो रो ना दे। पूरा ऑफिस डर में था। वो सभी सोच रहे थे कि उनके बॉस इतने दिन से तो बहुत अच्छे मूड में थे, फिर उन्हें आज क्या हो गया था। सार्थक और कैलाश जी भी काफी परेशान थे क्योंकि इस समय श्लोक कंपनी के प्रॉफिट्स को देख रहा था और उसे पता चला था कि सार्थक ने कंपनी से काफी पैसा निकाला था और वो उससे इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। सार्थक ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, भाई भाई, वो उसने इतना कहा ही था कि श्लोक ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, इट्स ऑफिस नॉट अ हाउस, सो बी इन योर लिमिट्स। सार्थक को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करके रखी थी। उसने कहा, सर, एक प्रोजेक्ट को लेकर मैंने कंपनी से थोड़ा कैश लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। श्लोक ने अपनी आंखें छड़ाई और कहा, इसका मतलब आपने यहाँ से लोन लिया है, तो मुझे बताइए आप कब वो लोन चुका रहे हैं। तभी कैलाश जी ने बीच में कहा, श्लोक बेटा, वो बच्चा है और अभी सीख रहा है, इसीलिए उससे गलती हो गई, पर मैं वादा करता हूँ अगली बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। श्लोक ने उनकी तरफ देखा और कहा, चाचा जी, इसने कोई छोटा अमाउंट नहीं लिया है,
ये रकम काफी बड़ी थी। अगर ये इसे पे नहीं करता है तो इसे बिना सैलरी के 6 महीने तक काम करना होगा। कैलाश जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। श्लोक ने उन्हें वो रिपोर्ट वापस दी और उन्हें जाने को कह दिया। सार्थक श्लोक को घूरते हुए बाहर चला गया। ऐसे ही शाम हो गई। अभी तक कोई भी ऑफिस से नहीं गया था। श्लोक अपने कैबिन में अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा था। उसे आकांक्षा की रिपोर्ट की काफी चिंता हो रही थी, खासकर कि जब से आकांक्षा ने उससे कहा कि वो मर जाएगी तो क्या होगा। उस ख्याल के दिमाग में आते ही उसका दिल कांप रहा था। वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसके कैबिन का गेट खुला। उसने देखा वहां कोई खड़ा था। जैसे ही उसने उस शख्स को देखा, वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। वसुंधरा जी अपने घर पर आराम से बैठी थी। तभी उन्हें कैलाश जी का फोन आया और उन्होंने उन्हें बताया कि श्लोक काफी परेशान था। जैसे ही वसुंधरा जी ने यह सुना, वो तुरंत ही कार लेकर उसके ऑफिस के लिए निकल गई। उन्होंने श्लोक के कैबिन में उसे इस तरह परेशान बैठा देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ। उनका बच्चा इतनी कम उम्र से अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। वो अंदर आई और बिना कुछ कहे श्लोक को गले लगाकर खड़ी हो गई। श्लोक को भी इसी की जरूरत थी। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। वसुंधरा जी ने कहा, तू इतना काम क्यों कर रहा है? तुझे इतना काम और मेहनत करता देख मुझे दुख होता है। श्लोक उनसे अलग हुआ और उन्हें सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। वसुंधरा जी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, कैसे चिंता ना करूं, तू तो घर भी नहीं आ रहा है। श्लोक ने कहा, माँ मुझे अकेले रहने की आदत है, पर मैं वादा करता हूँ आपसे मिलने जरूर आऊंगा। वसुंधरा जी ने कहा, हाँ हाँ बड़ा आया मुझसे मिलने वाला, सीधे सीधे बोल, बड़ी अम्मा के हाथ की खीर खाने आएगा। श्लोक ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। तभी वसुंधरा जी की नजर श्लोक के होठ के कोने पर गई, जहां एक कट लगा था। उन्होंने श्लोक के चेहरे को देखा और कहा, ये क्या है? श्लोक ने अपनी उलझी हुई आंखों से वसुंधरा जी को देखा और कहा, क्या हुआ माँ? वसुंधरा जी उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, क्या मैं जान सकती हूँ ये कट कैसे लगा है? श्लोक ने अपने होठ के उस कोने को छुआ, तभी उसे उसकी और आकांक्षा की किस याद आ गई। वो सब याद आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वसुंधरा जी आश्चर्य से श्लोक को देख रही थी। वो एकदम शांत बैठी रही। उनका बेटा उन्हें इतने सालों बाद मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। वो इस मूवमेंट को जी भर के जी लेना चाहती थी, पर उनके दिमाग में एक सवाल भी था कि आखिर उस बात पर श्लोक मुस्कुरा क्यों रहा है। पर अपने बेटे के चेहरे की इस खुशी को देखते हुए उन्होंने ये सवाल पूछना सही नहीं समझा, क्या पता वो उनसे नाराज हो जाए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे साथ आज घर चल। श्लोक कुछ कहता इससे पहले ही वसुंधरा जी ने उसे खड़े करते हुए कहा, मैं तेरी एक बात नहीं सुन रही हूँ, तू मेरे साथ घर चल रहा है। ये कहते हुए वो उसे खींचकर कैबिन के बाहर ले गई। उन्होंने बाहर खड़े देव को देखकर कहा, बाकी काम तुम देख लेना, और श्लोक को अपने साथ लेकर चली गई। श्लोक के ऑफिस से जाने के बाद ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय ने राहत की सांस ली। फिर देव ने थोड़ी देर बाद सबको घर जाने को कह दिया। इधर श्लोक की कार में वसुंधरा जी और श्लोक बैक सीट पर बैठे थे। श्लोक लगातार अपने फोन को देखे जा रहा था। वसुंधरा जी उससे उसका फोन लिया और कहा, मुझ पर ध्यान देना, क्या तुझे तेरी माँ की कदर ही नहीं है? ये कहते हुए उन्होंने मुंह बना लिया। श्लोक ने अपना फोन वापस लिया और कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है? वसुंधरा जी ने मुंह फुलाया और कहा, खुद ही सोच। श्लोक उनकी ऐसी हरकतें देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसे याद आया कि आकांक्षा घर पर अकेली है। ये सोचते हुए उसका चेहरा उदास हो गया, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उन लोगों की कार अग्निहोत्री मेंशन में एंटर हुई। जब श्लोक और वसुंधरा जी घर में एंटर हुए तो उन्हें गेट के पास ही बड़ी अम्मा खड़ी दिखी। श्लोक ने बड़ी अम्मा को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया।
वो उसकी रेयर मुस्कुराहट थी जो बड़ी अम्मा और आकांक्षा के लिए ही थी। बड़ी अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा बच्चा कुछ ही दिनों में और दुबला हो गया, आज मैंने तेरे लिए खास खाना बनाया है, चल अंदर आ जा। ये कहते हुए वो उसे अंदर ले गई। तभी उनके कानों में वसुंधरा जी की आवाज आई। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई, बड़ी अम्मा जैसे ही श्लोक आता है आप हमें भूल जाती हैं, जैसे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वसुंधरा जी ने ये कहते हुए अपने दोनों हाथ बांध कर मुंह टेढ़ा कर लिया। बड़ी अम्मा ने कहा, ज्यादा नाटक मत करो और अंदर आओ। वसुंधरा जी ने मुंह बनाया और अंदर आ गई। अंदर मैनिका जी और कैलाश पहले से बैठे थे और उनका चेहरा थोड़ा परेशानी में दिख रहा था। उनकी नजर जैसे ही श्लोक पर गई, उनके हाव भाव अचानक बदल गए। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे, पर कोई भी देखकर बता सकता था कि उनकी मुस्कुराहट कितनी फीकी है। श्लोक वहां आकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, तू यहां है तो मेरी। इतना कहकर वो चुप हो गया और सब उसी की तरफ देखने लगे। श्लोक भी उसे गुस्से से घूर रहा था। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है तू यहाँ कैसे, तू तो इस घर के लिए ईद का चांद हो गया है। ये कहकर वो उसके बगल में बैठ गया। श्लोक ने तिरछी नजर करके उसे देखा और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बड़ी अम्मा श्लोक को खाना परोस रही थी, पर श्लोक का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे आकांक्षा का परेशान चेहरा याद आ रहा था। उसका मन अभी वहां से उठकर जाने को कर रहा था, तभी उसके कानों में लक्ष्य की आवाज आई, तू मेरी प्रिंसेस को छोड़कर यहाँ खाना खा रहा है, जबकि वो पहले ही उसके टेस्ट के रिजल्ट्स को लेकर इतना टेंशन में थी। ये कहते हुए वो अपनी प्लेट से खाना खाने लगा, पर लक्ष्य की बातें सुनकर तो श्लोक की भूखी मर गई थी। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने बाहर जाते हुए कहा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, और किसी की बात सुने बिना वहां से चला गया। उसके जाते ही टेबल पर बैठे हर इंसान लक्ष्य को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लक्ष्य ने जैसे ही श्लोक को कुछ कहा वो वहां से चला गया था। लक्ष्य ने अपने मुंह में रखा खाना निगला और धीरे से खुद से कहा, मुझे जरूरत क्या थी इस पॉजेसिव हस्बैंड को उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलने की, अब ऐसा लग रहा है यहाँ सब लोग मिलकर मुझे ही खा जाएंगे। लक्ष्य ने अपने सारे दांत निकाले और कहा, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, उसे सच में कुछ काम होगा। ये कहते हुए वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पैरों में पहिए लगे हो। इधर श्लोक अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था और उसके बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो आकांक्षा को क्यों वहां छोड़कर आया था। उसका बस चले तो वो उसे हमेशा अपने पास बांध कर रखे। लगभग एक घंटे बाद वो घर पहुंचा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, रात के 11 बज रहे थे, और फिर अंदर चला गया। घर में पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ श्लोक के कदमों की आवाज आ रही थी। वो सबसे पहले अपने कमरे में गया, पर उसे आकांक्षा कहीं नहीं मिली। उसने स्टडी रूम में भी देखा, पर वो वहां भी नहीं थी। वो नीचे आकर किसी को आवाज देने ही वाला था कि उसे डाइनिंग टेबल पर हल्की रोशनी में आकांक्षा की परछाई दिखी, जो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। लोक ने गहरी सांस ली और उस ओर चल पड़ा। वो चेयर खींचकर उसके सामने बैठ गया और एक तक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर गई, जिसे छुआ भी नहीं गया था। वो समझ गया कि आकांक्षा उसका इंतजार कर रही थी। ये सोचते ही कि आकांक्षा को उसके कारण भूखा रहना पड़ा, उसे बहुत बुरा लगा। उसने धीरे से आकांक्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, आकांक्षा आकांक्षा उठो। पर आकांक्षा काफी ज्यादा गहरी नींद में थी। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और वैसे ही सोती रही। श्लोक ने उसे देखा और धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ गया, फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके साइड में बैठ गया। एपिसोड 28। क्या आप मुझे पसंद करते हैं?
लोक ने आकांक्षा की तरफ देखा और उसे कंबल उड़ाते हुए कहा, सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया। ये कहते हुए उसने उसके माथे पर किस किया और बालकनी की तरफ चला गया। येलो कलर की लाइटिंग में वहां रखी आकांक्षा की पेंटिंग और सुंदर दिख रही थी। उसकी बालकनी जो हमेशा खाली रहती थी, इस समय आकांक्षा की बनाई हुई सुंदर पेंटिंग से भरी हुई थी, जो मन को एक सुकून पहुंचाने के साथ साथ दिल में एक हलचल भी कर रही थी। हल्की हल्की हवा उन पर ढके सफेद कपड़े को उड़ा रही थी। तभी श्लोक की नजर एक पेंटिंग पर गई और वो उसे उसके पास जाकर देखने लगा। इससे पहले कि वो उस पर से कपड़ा हटाता, उसे कमरे से कुछ आवाज आई। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि आकांक्षा कारपेट पर गिर गई थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और सोचा, ये नीचे गिरकर भी सो रही है। उसने फिर से आकांक्षा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया, फिर कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। जब वो चेंज करके आया तो उसने देखा कि आकांक्षा वापस बेड के कोने पर आ गई थी और किसी भी पल नीचे गिरने वाली थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। उसे याद आया कि वो रोज इसी तरह ही उसकी बाहों में सोती थी, तभी वो नीचे नहीं गिरती थी। उसने चांद की रोशनी में दिख रहे उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अच्छे से पकड़कर ना सोऊं, तो तुम तो अपने हाथ पैर तोड़ लोगी। ये कहते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब उसकी नींद खुली तो आकांक्षा उसके पास नहीं थी। वो उठकर बैठा और बालकनी से बाहर देखने लगा। एज एक्सपेक्टेड, आकांक्षा गार्डन में योगा कर रही थी। उसके बगल में विपिन भी था। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुशअप्स करने लगे। आकांक्षा विपिन से हंसते हुए बातें कर रही थी। ये देखकर श्लोक की आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चला गया। विपिन ने जब अपने बॉस को देखा तो वो सीधा खड़ा हो गया। आकांक्षा अभी भी अपनी बातों में खोई हुई थी। उसने विपिन को ऐसे खड़ा देखा तो कहा, क्या हुआ मिस्टर हैंसम, क्या आपने हार मान ली? पर अभी तो हमने 100 पुशअप भी नहीं किए। तभी उसकी नजर श्लोक पर गई और उसका मुंह बन गया। उसने विपिन के कान में कहा, आप अपने बॉस से इतना क्यों डरते हैं? वो तो वैसे भी बहुत बोरिंग है। श्लोक ने घूर कर आकांक्षा को देखा और कहा, तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। आकांक्षा ने तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा था। और फिर अपने गाल फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। श्लोक ने विपिन की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट में काम करो। ये सुनते ही विपिन का चेहरा उतर गया। उसे ऑफिस में वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी ट्रेनिंग से ही खुश रहता था। आकांक्षा ने कहा, मिस्टर हैंसम, अगर ऑफिस जाएंगे तो मेरी ट्रेनिंग कौन कराएगा? श्लोक ने उसे अपने गुस्से भरी आंखों से देखा और कहा, तुम हर बार मेरी बात क्यों काटती हो? आकांक्षा ने उसे मुंह बनाकर देखा और घर में चली गई। श्लोक ने अपने माथे पर दो उंगलियां रखी और सोचने लगा, ये लड़की इतने गुस्से में क्यों है? जब वो अंदर आया तो उसे आकांक्षा कहीं नहीं दिखी। तब उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने देखा कि अंदर भी कोई नहीं था। अब उसे चिढ़ होने लगी थी। वो सुबह ही बिना तैयार हुए आकांक्षा के पास पहुंच गया था। फिर उसने टावल लिया और बाथरूम में नहाने चला गया। फिर उसने अपनी टी शर्ट्स उतारी और शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ पल बाद उसे वहां के बाथटब में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखा। वो बाथरूम एक ग्लास से डिवाइडेड था। एक साइड शावर था और ग्लास की दूसरी तरफ एक बड़ा सा बाथटब था, जिसमें आराम से दो लोग बात ले सकते थे। श्लोक ने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर उस ओर चला गया। जब उसने वहां का ग्लास डोर हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अग्निहोत्री मेंशन। कैलाश जी और सार्थक आमने सामने बैठे थे। सार्थक ने चिढ़कर कहा, मैंने पैसे खर्च कर दिए, क्या मैं थोड़े से पैसे भी नहीं रख सकता? कैलाश जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे सीधे सीधे बताओ, तुमने इतने सारे पैसों का किया क्या है? सार्थक अपनी नजरें चुराने लगा। तभी वहां पर भीड़ दिया गई। उसने कहा, डैड, भाई ने वो पैसे मुझे दिए थे। कैलाश जी ने कंफ्यूज आंखों से कीर्ति की तरफ देखा।
कीर्ति ने आगे कहा, असल में मुझसे बड़ी माँ का डायमंड नेकलेस गुम गया था और जब वो मुझे मिला तो मुझे पता चला कि वो कुछ लोगों ने चुरा लिया था और उसे वापस करने के लिए वो लोग पैसे मांग रहे थे। और आप तो जानते हैं ना, वो नेकलेस बड़ी माँ को बड़े पापा ने दिया था और वो उनके लिए कितना कीमती था, इसीलिए भाई ने मेरे लिए वो पैसे चोरी किए थे। कैलाश जी ने घूर कर कीर्ति को देखा और कहा, और मैं जान सकता हूँ वो नेकलेस चोरी कैसे हुआ? कीर्ति ने अपनी नजरें नीचे की और कहा, वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में उसे पहनकर चली गई थी। कैलाश जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक चेक निकालकर उसे सार्थक को देकर कहा, कल ये अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करवा देना। सार्थक ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने डैड से कहा, आपके पास? सार्थक इतना ही कह पाया था कि तभी कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं है? श्लोक का विला। श्लोक अभी भी उसी तरह डोर के पास खड़ा था और अंदर देख रहा था। अंदर कांशा बाथटब में लेटे हुए सो चुकी थी। अंदर काफी सारा साबुन का झाग था जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, सिर्फ उसके हल्के हल्के शोल्डर दिख रहे थे। गर्म पानी में रहने के कारण उसकी स्किन गुलाबी दिख रही थी। उसके लंबे बाल बाथटब के एक किनारे फैले हुए थे। श्लोक ने खुद से कहा, मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ पर सो रही है। तभी उसे एक आइडिया आया। वो चुपचाप आकांक्षा के साथ बाथटब में बैठ गया। आकांक्षा काफी गहरी नींद में थी जिससे उसने अपना सिर श्लोक के कंधे पर रख दिया। उसकी छुअन से श्लोक अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसने धीरे से साइड का एक बटन प्रेस किया जिससे उस टब में ठंडा पानी भरने लगा। कांशा को जैसे ही ठंड का एहसास हुआ, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तभी अचानक उसे अपने साइड में गर्मी महसूस हुई जिससे उसका शरीर वहीं जम गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और श्लोक को देखा जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। आकांक्षा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख कर कहा, डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्लोक ने उसके चेहरे से बाल हटाए और कहा, जो तुम कर रही हो। आकांक्षा ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और कहा, मैं तो नहा रही थी। एक मिनट, मैं नहा रही थी, आप बाहर जाइए। ये कहते हुए वो श्लोक को धक्का देने लगी, पर श्लोक अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसने फिर से आकांक्षा के कान में कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें ज्यादा हिलना चाहिए, या तुमने अपने आप को देखा है? तभी आकांक्षा को याद आया कि उसने कुछ नहीं पहना है। उसने नीचे की तरफ देखा, अभी भी सफेद झाग के कारण उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। फिर उसने राहत की सांस ली और श्लोक से कहा, ये गलत बात है, बाहर जाइए। श्लोक ने अपना हाथ आकांक्षा के गले से ले जाकर गर्दन पर रखा और कहा, वाइफी, दैट इज नॉट फेयर, तुमने ही कहा था मैं बहुत बोरिंग हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आकांक्षा उसकी छुअन को सहन नहीं कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। श्लोक ने उसे एक शैतानी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं क्या नहीं कर सकता, और तुम क्या सोच रही हो? अच्छा, तो तुम वो सोच रही हो? वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हारे ख्याल इतने वाइल्ड हैं तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। यह सुनकर आकांक्षा के गाल पूरी तरह लाल हो गए। श्लोक ने अब उसे ज्यादा परेशान करना सही नहीं समझा और बाथटब से बाहर आ। फिर उसने दूसरा बाथरोब पहना और आकांक्षा के पास बाथटब के कोने पर बैठ गया। आकांक्षा को लगा था कि अब तो श्लोक वहां से चला जाएगा, पर उसे वापस आता देख उसे बेचैनी होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा श्लोक अपने हाथ में शैम्पू की बोतल लेकर उसके बालों को वॉश कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके लंबे बालों को सुलझाते हुए धो रहा था। आकांक्षा को कभी कभी अपने बालों से बहुत चिढ़ होती थी क्योंकि वो उन्हें अच्छे से धो ही नहीं पाती थी। वो इतने ज्यादा लंबे थे कि वो थक जाती थी, पर जब श्लोक उसके बालों को धो रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। श्लोक का पूरा ध्यान उसके बालों को अच्छे से धोने में। वो इतने आराम से सब कर रहा था कि आकांक्षा को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद श्लोक ने आकांक्षा को एक बाथरूम पास किया और बाहर जाते हुए कहा,
इसे पहनकर बाहर आओ। लोक बाथरूम से बाहर चला गया, पर आकांक्षा को उसकी खुशबू अभी भी वहां महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद उसकी खुशबू से महक रही थी। थोड़ी देर बाद वो उस बाथरूम को पहनकर बाहर आ गई। श्लोक ने अब तक चेंज कर लिया था। उसने आकांक्षा को ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। आकांक्षा की नजर आईने में दिख रहे श्लोक के अक्स पर थी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब। श्लोक ने बिना नजरे उठाए कहा, क्या बात है? आकांक्षा ने अपनी नजरे झुका ली और कहा, क्या आप? इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस बात को कैसे कहे। लोग ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और कहा, तुमने पूरी बात नहीं कही। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात इतनी जरूरी नहीं थी। लोग ने फिर से उसके बालों को सुखाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद आकांक्षा के बाल पूरी तरह से सूख चुके थे और लगभग जमीन को छूने लगे थे। लोग ने मुंह बनाकर उन्हें देखा और मन में कहा, सच में ये कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। और फिर आकांक्षा को देखते हुए मन में कहा, पर ये आकांक्षा पर सूट करते हैं। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर आकांक्षा को देखने लगा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चेंज कर लो, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये कहकर वो बाहर चला गया। आकांक्षा ने दरवाजे की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? यही बात वो श्लोक से पूछना चाहती थी, पर उसने सोचा कि अगर श्लोक ने ना कह दिया वो अपने दिल में एक ऐसा दर्द महसूस करेगी जिसे वो शायद कभी ना भुला पाए। उसे उस दर्द से डर लग रहा था, इसीलिए उसने उस सवाल को अपने मन में ही रख लिया। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता है कि बहुत जल्द उसे उसके सवाल का जवाब मिलने वाला था। जब श्लोक नीचे आया तो विपिन और लक्ष्य वहां बैठे थे। लक्ष्य ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, तू तो वहां से भाग गया, तेरे चक्कर में मुझे कितना सुनना पड़ा, मैं तो खाना भी नहीं खा पाया। श्लोक वहां आकर सोफे पर बैठा और कहा, तुझे ही तेरी बहन की ज्यादा फिक्र थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी श्लोक ने उसके हाथ में रखी फाइल को देखते हुए कहा, क्या रिपोर्ट आ गई है? लक्ष्य ने सीरियस होकर उसे देखकर कहा, हाँ मुझे सुबह ही मिली है और मैं तुरंत इसे यहाँ ले आया। ये कहते हुए उसने वो फाइल श्लोक की तरफ बढ़ा दी। श्लोक ने वो फाइल खोली। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था उसका चेहरा गंभीर होते जा रहा था। उसने लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, मतलब आज से ही ये करना होगा? लक्ष्य ने लंबी सांस ली और हाँ में सिर हिला दी। तभी उन सबके कानों में चूड़ियों की आवाज आई। आकांक्षा अपने एक हाथ में चूड़ी पहनकर दूसरे हाथ में भी पहन रही थी। उसके लंबे बाल वन साइड चोटी में गुथे थे और ग्रीन कलर का लॉन्ग अनारकली सूट उस पर बहुत सुंदर लग रहा था। उसने आज जो सिंदूर अपनी मांग में भरा था वो साफ साफ दिख रहा था। गले में पहना छोटा सा मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। लोग एक तक उसे देखने लगा, यहां तक कि विपिन भी उसे देख रहा था। विपिन ने आज तक आकांक्षा को ट्रैक सूट या फिर लोअर टी शर्ट में ही देखा था। इंडियन वेयर में वो पहली बार उसे देख रहा था। आकांक्षा को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद से कहा, बॉस को तो कोहिनूर का हीरा मिल गया है, तभी बॉस इनके लिए इतने ज्यादा पॉजेसिव है। लक्ष्य आकांक्षा के पास गया और उसने उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस तो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, इसका मतलब क्या मैं पहले खूबसूरत नहीं थी? लक्ष्य ने उसके सिर पर चपत लगाई और कहा, तू तो हमेशा ही अच्छी लगती है, भला मेरी बहन का कोई मुकाबला कर सकता है क्या? ये कहते हुए उसने उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लिया। श्लोक अभी भी अपने ख्यालों से बाहर नहीं आया था। तभी लक्ष्य ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरी बहन को इतना मत घूर, उसे नजर लग जाएगी। श्लोक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देखा और उसका यह लुक तो सबसे डरावना लगता था। लक्ष्य चुपचाप जाकर आकांक्षा के साथ बैठ गया। उसने कहा, देख बहना, तेरा पति मुझे डरा रहा है। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, मेरे भाई को मत डराइए, जिसको देखो घूरते रहते हैं। उसने लक्ष्य की तरफ मुड़कर कहा, आपको पता है भाई, मैंने कल इनका कितना इंतजार किया,
पर ये रात में आए ही नहीं। मैं इनके कारण भूखी ही सो गई। उसने पपी फेस बनाकर श्लोक की तरफ देखकर कहा, भला कौन हस्बैंड अपनी वाइफ को रात को अकेला इतने बड़े घर में छोड़कर जाता है। एपिसोड 29, आकांक्षा हॉस्पिटल में। श्लोक ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की और मन में कहा, इसका मतलब मैडम इसीलिए नाराज है। तभी वहां की मेड ने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। चारों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। श्लोक और लक्ष्य एक दूसरे को देख रहे थे। आकांक्षा ने ये नोटिस कर लिया और अपना दूध का ग्लास उठाकर मुंह बनाकर पीते हुए कहा, कि आप मुझे बताएंगे कि बात क्या है। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिंसेस। इतना कहकर वो चुप हो गया। आकांक्षा ने अपना सिर उठाया और लक्ष्य को देखते हुए कहा, भाई आगे क्या। इस बार श्लोक ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये सुनते ही आकांक्षा के हाथ में जो चम्मच था वो प्लेट में गिर गया। उसने श्लोक की तरफ देखा जो थोड़ा सीरियस दिख रहा था। श्लोक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, ज्यादा सीरियस नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहते वो उसे टेबल से उठाकर लिविंग रूम में ले गया और सोफे पर बैठाते हुए उससे बात करने लगा। लक्ष्य और विपिन अभी भी डाइनिंग एरिया में ही थे, क्योंकि वो जानते थे इस बारे में आकांक्षा से श्लोक ही बात कर सकता था। लिविंग रूम में श्लोक ने आकांक्षा से कहा, तुम्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट हम घर पर करेंगे। आकांक्षा ने कहा, पर क्यों, मुझे वहां नहीं जाना। आप भी तो डॉक्टर है ना, तो यहीं पर इलाज कर दीजिए। पर मुझे वहां नहीं जाना, वहां की व्हाइट वॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां की स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। श्लोक ने तो अभी उससे पूरी बात बताई भी नहीं थी और उसका ये हाल था। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें वहां जाना ही होगा। वहां तुम्हारे लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को बुलाया है। तुम्हारे बॉडी में जो ड्रग है हमें उसका एंटीडॉट मिल गया है और तुम्हें 3 दिन तक वो वहां दिया जाएगा। तुम्हारी बॉडी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम सिर्फ चल रही हो। ये कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उससे आकांक्षा का उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा था। इस समय उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही देर में फट जाएगा। कमरे में जाकर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नो आकांक्षा नो, आई कांट लूज यू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों ना देना पड़े। पर इस दिल को कैसे समझाऊं जो तुम्हें दर्द देने से डर रहा है। मुझमें हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं। थोड़ी देर बाद श्लोक अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर कमरे से बाहर आया। लिविंग रूम में आकांक्षा सोफे पर सर झुकाकर बैठी थी। श्लोक ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा, चलो हमें अभी निकलना है। आकांक्षा ने अपना हाथ वापस खींचा और ना में गर्दन हिलाने लगी। श्लोक ने उसे कुछ पल तक घूरा और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। आकांक्षा लगातार चिल्ला रही थी कि उसे नहीं जाना, पर श्लोक ने उसकी एक नहीं सुनी। पीछे खड़ा लक्ष्य ये सब देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो जानता था कि ये जरूरी है। फिर वो भी उनके पीछे बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। ये दिल्ली का एक काफी बड़ा हॉस्पिटल था, जहां लक्ष्य एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स की लिस्ट में आता था। आकांक्षा को एक VIP रूम में लिटाया गया था और उसे हॉस्पिटल ड्रेस में पहना दिया गया था। लेकिन उस कमरे को देखकर आकांक्षा को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी थी। संजय जी उसे कई बार ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में ले जाते थे और वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। उस जगह की दीवारें पूरी सफेद होती थी और उसे कई घंटे तक वहां बंद कर दिया जाता था। वो सब याद आते ही आकांक्षा कांप उठी और उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे शॉक मत लगाओ, बहुत दर्द होता है, मुझे मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर लक्ष्य और श्लोक काफी हैरान थे। श्लोक ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं यही हूँ, देखो। ये कहते हुए उसने आकांक्षा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। आकांक्षा ने उसे अपनी भरी हुई आंखों से देखा और कहा, वो डॉक्टर, वो मुझे शॉक देंगे पहले जैसे, वो लोग मुझे वापस बंद कर देंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्लोक को बहुत दुख हो रहा था। उसने कसकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। प्लीज मेरी बात मानो, जाओ और कॉपरेट करो।
ये कहते हुए उसने उसे बेड पर लिटा दिया। आकांक्षा ने सामने देखा, कुछ डॉक्टर सिल्वर कलर का बॉक्स लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उसे खोला, उसमें से सफेद कलर का धुआं बाहर आने लगा, जिसके बीच में एक ब्लू कलर की छोटी सी बॉटल रखी थी। उन्होंने उसे निकाला और उसे इंजेक्शन में भरने लगे। इंजेक्शन देखते ही आकांक्षा बेड पर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं नहीं लगवाऊंगी। श्लोक ने उसे वापस बेड पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। आकांक्षा ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र दिखाई दे रही थी। उसने नर्स और लक्ष्य को बाहर जाने का इशारा किया और सिर्फ उस डॉक्टर को रुकने को कहा। फिर वो आकांक्षा को धीरे धीरे किस करने लगा। आकांक्षा ने हैरानी में पहले अपनी आंखें बड़ी कर ली, फिर अपने होंठों पर होने वाले उस नरम एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से निकलकर आंसू की बूंदें श्लोक के चेहरे पर गिर गई। श्लोक ने अपनी दो उंगलियों से डॉक्टर को कुछ इशारा किया। डॉक्टर ने धीरे से आकांक्षा का हाथ पकड़ा और इंजेक्शन लगाने लगा। उस सुई के आकांक्षा के हाथ को छूते ही श्लोक ने उसे और भी डीपली किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा कोई हरकत नहीं कर रही है, तो वो उससे धीरे से अलग हुआ और उसे बेड पर लिटाकर उसका सिर सहलाने लगा। उसने बिना पीछे मुड़े डॉक्टर से कहा, इसे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? डॉक्टर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, हमें इनके सारे सिरिंज कंप्लीट करवाने होंगे। इन्हें हर 6 घंटे में एक इंजेक्शन लगेगा। इनकी बॉडी में मिला ड्रग कोई मामूली ड्रग नहीं है। हमें इसका एंटीडॉट भी बहुत मुश्किल से मिला है। शायद 3 दिन तक इनकी बॉडी में काफी दर्द रहेगा और इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है ये सब इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। श्लोक ने आकांक्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने एक नर्स को बुलाया और आकांक्षा को सलाइन चढ़ा दी और आकांक्षा के जिस हाथ में सुई लगी थी उसका वो बेजान सा बेड पर रखा हुआ हाथ था। तभी लक्ष्य ने अंदर आते हुए कहा, क्या प्रिंसेस ठीक है? ये कहते हुए उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने बेड की तरफ देखा और साइड में बैठते हुए आकांक्षा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सब ठीक हो जाएगा प्रिंसेस, थोड़ा वेट कर लो। फिर उसने श्लोक की तरफ मुड़कर कहा, तू ऑफिस चला जा, मैं हूँ यहाँ। श्लोक ने बिना किसी भाव के कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा। लक्ष्य ने परेशान होकर उसे देखा और कहा, और तेरा काम? उसने इतना ही कहा था कि वार्ड के दरवाजे से देव अंदर आया और उसके हाथों में 2 बैग थे। उसने वो वहां रखे सोफे पर रख दिए और श्लोक से कहा, सर आपका सारा सामान मैंने यहाँ ला दिया है, आप अपना सारा काम यहीं से कर सकते हैं और ऑफिस मीटिंग्स मैं हैंडल कर लूंगा। लक्ष्य ने देव की तरफ देखा और कहा, और ये कितने दिन तक का काम है? देव ने कहा, 3 दिन, इसके बाद मैम के ठीक हो जाने तक सर घर से काम करेंगे। लक्ष्य ने कहा, देख परेशानी बढ़ सकती है, तू जानता है ना ये डेंजरस है। श्लोक जाकर सोफे पर बैठा और उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक बात आकांक्षा की है कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य जानता था कि वो उसे नहीं समझा सकता है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। शाम को जब आकांक्षा की नींद खुली तो उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी। वो धीरे से उठने की कोशिश करते हुए पास ही में रखे पानी के ग्लास को उठाने लगी, पर गलती से वो नीचे गिरकर टूट गया। उस आवाज से श्लोक का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। उसने आकांक्षा के पास जाते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पानी पीना है। श्लोक ने एक ग्लास में गुनगुना पानी लिया और आकांक्षा को पिलाने लगा। पानी पीकर आकांक्षा वापस बेड पर लेट गई। श्लोक उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा था। आकांक्षा ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके ऐसे मासूमियत से भरे सवाल को सुनकर श्लोक का दिल और ज्यादा दुखने लगा था, तो उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम स्ट्रांग हो ना? आकांक्षा ने हाँ में गर्दन हिलाई और आसपास देखते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। श्लोक ने धीरे से उसे बेड पर बिठाया और उसके साइड में बैठकर उसका सिर अपने कंधे पर रख कर कहा, मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ लोगों को परेशान किया जाता है। श्लोक को उसके आंसू अपनी शर्ट पर महसूस हो रहे थे। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाई और दूसरे से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, सब बुरे नहीं होते। आकांक्षा ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, वो लोग जब भी मुझे ऐसी जगह ले जाते थे वहां हमेशा बुरे लोग रहते थे। आपको पता है वहां पर एक बड़ी सी चेयर होती थी और एक छोटा सा बेड, कभी उस बेड पर बांधकर तो कभी उस चेयर पर बांधकर एक अजीब सी मशीन से मुझे शॉक दिया जाता था, और फिर वो लोग मुझे उसी कमरे में बंद कर देते थे। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज। लोग ने आकांक्षा को कसकर गले लगाया और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, विश्वास है ना तुम्हें मुझ पर। आकांक्षा ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, फिर से शॉक नहीं लगाएंगे ना। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वहीं डॉक्टर वापस आया और उसे देखकर आकांक्षा ने गुस्से से कहा, मैंने कह दिया है मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, चले जाइए आप यहाँ से। डॉक्टर ने उदास नजरों से श्लोक की तरफ देखा। श्लोक ने आकांक्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें पता है मेरे घर पर कौन कौन है? आकांक्षा ने क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखा। वो आज तक श्लोक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने कहा, क्या आप बताएंगे? श्लोक ने कहा, मेरे घर में मेरी माँ, बड़ी अम्मा, चाचा चाची और उनके दो बच्चे भी हैं। हम एक दिन उन सबसे मिलने चलेंगे। बात करते करते उसने वापस डॉक्टर को इशारा कर दिया था। डॉक्टर ने चुपचाप आकांक्षा को इंजेक्शन लगा दिया। आकांक्षा अभी भी श्लोक से बातें कर रही थी। उसने कहा, क्या वहां सब अच्छे हैं? श्लोक ने कहा, हम जल्द ही उनसे मिलने जाएंगे। ऐसी ही बातें करते करते आकांक्षा वापस नींद में चली गई। श्लोक ने गहरी सांस ली और सोचा, अगली बार मैं इसे किन बातों से बहलाऊंगा। डॉक्टर ने सिल्वर बॉक्स बंद करते हुए श्लोक से मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर श्लोक की आंखों में एक उलझन आ गई। उसने आकांक्षा की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के टेरेस पर काफी सारा पुराना सामान पड़ा था और कोई इंसान उस सामान को एक के बाद एक बेदर्दी से फेंक रहा था। लक्ष्य ऊपर आया और वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। हर जगह सिर्फ टूटी हुई चीजें ही थी और उनके बीच में श्लोक खड़ा। लक्ष्य को आज श्लोक से डर लग रहा था। वो धीमे कदमों से उसके पास गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही श्लोक पीछे मुड़ा, लक्ष्य की रूह कांप उठी। इस समय श्लोक बहुत डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसका चेहरा किसी को मार देने के इरादे से चमक रहा था। उसने पूछा, भाई बात क्या है? क्या आकांक्षा ठीक नहीं है? तू किस बात से परेशान है? श्लोक ने गहरी सांस ली और वो रेलिंग के पास खड़ा हो गया। हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से बाहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। डूबता हुआ सूरज श्लोक के दिल की आग को कम नहीं कर पा रहा था। उसने आंखें बंद करके लक्ष्य की ओर देखा, फिर उसने उसे सब बताया जो उसे आकांक्षा ने कहा था। श्लोक की बातें सुनकर लक्ष्य की मुट्ठियां कस गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं उन सबको मार डालूंगा, मुझे नाम बताओ उन सबका। श्लोक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वही तो परेशानी है, मैं नहीं जानता वो लोग कौन है। अगर मुझे पता होता तो इस समय वो लोग सांस नहीं ले रहे होते। उनके कारण आकांक्षा इतने बड़े ट्रॉमा और गंभीर फिजिकल कंडीशन से गुजर रही है। तू नहीं जानता जब भी उसे वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो मुझे कितना दर्द होता है। मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ, पर मेरा क्या। एपिसोड 30, श्लोक की फीलिंग्स और डॉक्टर ऐसे। श्लोक ने थोड़ा रुककर कहा, लक्ष्य? अपना नाम सुनकर लक्ष्य ने श्लोक की तरफ देखा। ये बहुत कम होता था कि श्लोक किसी का नाम ले, और खासकर लक्ष्य का। लक्ष्य उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसके साथ आसमान में देखते हुए कहा, मैं तुझे सुन रहा हूँ। श्लोक ने कहा, मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ? वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों जब भी वो दर्द में होती है तो मुझे बुरा लगता है? जब मैंने उससे शादी की तो मुझे गिल्ट ना होकर खुशी हुई थी। श्लोक अग्निहोत्री जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, वो उस लड़की के साथ हंसता है और मस्ती भी करता है। उसके होठों की मुस्कान
मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है। ये कैसे एहसास है? लक्ष्य श्लोक के चेहरे को देख रहा था। इस समय श्लोक का चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके चेहरे के भाव साफ साफ उसके दिल का हाल बता रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? श्लोक ने कंफ्यूज होकर लक्ष्य की तरफ देखा। लक्ष्य ने छोटी सी मुस्कान दी और कहा, अगर हम किसी की इतनी परवाह करते हैं और कोई हमें इतना अफेक्ट करता है तो इसका एक ही मतलब है श्लोक, दैट यू लव हर, उससे प्यार करता है। श्लोक धीरे से बुदबुदाया, प्यार? लक्ष्य ने आगे कहा, ये तुझे समझना होगा कि तेरा दिल क्या कह रहा है। श्लोक ने उदास होकर कहा, अगर ये प्यार है तो क्या वो भी मुझसे प्यार करती होगी? मैंने जो उसके साथ किया उसके बाद भी वो मुझसे प्यार करेगी? लक्ष्य ने कहा, क्या तूने उसकी आंखों में अपने लिए कुछ नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो देखने की कोशिश कर, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया और श्लोक आसमान की तरफ फिर से देखने लगा। अग्निहोत्री मेंशन। रात में सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। सार्थक ने वसुंधरा जी से कहा, बड़ी माँ, भैया आज ऑफिस नहीं आए थे? वसुंधरा जी खाना खाते खाते रुक गई। उन्होंने सार्थक से कहा, क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो ऑफिस नहीं आया? तो फिर वो गया कहाँ? सार्थक ने उदास होकर कहा, पता नहीं बड़ी माँ, मैंने देव से पूछा तो उसने बताया कि श्लोक भैया 2-3 दिन ऑफिस नहीं आएंगे, या हो सकता है वो 1 हफ्ता ऑफिस नहीं आए। वसुंधरा जी ने परेशान होते हुए कहा, क्या लगता है उसकी तबीयत खराब है? मैं तो उससे मिलने जाऊंगी। बड़ी अम्मा ने किचन से खाना लाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं थी सबके सामने ऐसा कहने की कि लल्ला समझदार है। तुम्हें क्या लगता है, इतने साल वो अकेले ऐसे ही रहा होगा और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उससे सवाल करे। वसुंधरा जी ने परेशान होकर बड़ी अम्मा से कहा, पर सार्थक कह रहा था कि वो 1 हफ्ता तक ऑफिस नहीं आएगा। बड़ी अम्मा ने घूर कर सार्थक को देखा और कहा, तो उसे फोन कर लो। वसुंधरा जी ने तुरंत अपना फोन लिया और श्लोक का नंबर डायल कर दिया। इधर श्लोक आकांक्षा के आज के लास्ट डोज को देने की प्लानिंग कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने एक नजर बेड पर लेटी हुई आकांक्षा पर डाली और बाहर आकर फोन रिसीव कर लिया। फोन पर वसुंधरा जी की परेशानी भरी आवाज आई, बेटा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, माँ मैं ठीक हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आने के कारण मुझे कंट्री से बाहर जाना पड़ रहा था, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। वसुंधरा जी ने राहत की सांस ली और कहा, मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। श्लोक ने आंखें छड़ाई और कहा, वैसे आपको किसने बताया कि मैं आज ऑफिस नहीं गया था? वसुंधरा जी ने गलती से सार्थक का नाम ले लिया और ये सुनते ही श्लोक ने वसुंधरा जी से कहा, माँ आप सार्थक को फोन दे दीजिए। यह सुनकर सार्थक का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। उसने डरते हुए वो फोन अपने कान से लगाया। उधर से श्लोक की आवाज आई, बेहतर होगा तुम अपना काम करो, मेरी जासूसी करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए हैं? अगली बार अगर कंपनी से 1 रुपया भी गायब हुआ तो याद रखना तुम 1 रुपए के लायक नहीं रहोगे। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। सार्थक ने अपने कांपते हुए हाथों से वो फोन वसुंधरा जी को दे दिया। थोड़ी देर बाद जब श्लोक वार्ड में आया तो उसने देखा आकांक्षा को नर्स खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और आकांक्षा घूर कर उस नर्स को देख रही थी। उसने कहा, तुम ये बकवास खाना अपने साथ ले जाओ, मैं ये नहीं खाऊंगी। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम क्यों नहीं खा लेती? एक तो मुझे यहाँ पर लाकर रखा हुआ है, ऊपर से मुझे ये सड़ा सा खाना दे रहे हैं, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। ये कहते हुए उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। नर्स ने कहा, डॉक्टर ने आपको यही खाने को कहा है? आकांक्षा ने घूर कर उसे देखा और कहा, एक बार वो डॉक्टर मुझे मिल जाए उसे तो इतने इंजेक्शन लगाऊंगी ना कि वो इंजेक्शन का नाम ही भूल जाएगा, और उसे खाने में करेले दूंगी। बड़ा आया मेरा डाइट प्लान बनाने वाला। आकांक्षा की बातें सुनकर नर्स की तो हालत खराब होती जा रही थी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े श्लोक पर गई।
उसने बेचारा सा मुंह बनाकर श्लोक को देखा। श्लोक ने उसे बाहर जाने को कहा और वो ट्रे लेकर आकांक्षा के पास बैठ गया। आकांक्षा कुछ कहने ही वाली थी पर जैसे ही उसने श्लोक को देखा वो चुप हो गई। श्लोक ने सूप का चम्मच आकांक्षा के आगे किया और उसे पीने को कहा। आकांक्षा ने कसकर अपने होंठ बंद कर लिए और ये दिखाया कि वो इसे नहीं पिएगी। श्लोक ने अपनी आंखें छड़ाई और उस ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने आकांक्षा से कहा, तो तुम नहीं पियोगी? आकांक्षा ने ना में गर्दन हिला दी। श्लोक ने फिर पूछा, तो तुम पक्का नहीं पियोगी? आकांक्षा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, जिससे श्लोक ने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और सूप को अपने मुंह में लेकर आकांक्षा को किस करने लगा। उसने धीरे से आकांक्षा का मुंह अपने हाथों से दबाया, जिससे उसके होंठ खुल गए। उसने तुरंत ही उस सूप को उसके मुंह में ट्रांसफर कर दिया और फिर उससे अलग हो गया। आकांक्षा ने जल्दी से जो सूप उसके मुंह में था उसे पी लिया और घूर कर श्लोक को देखने लगी। श्लोक ने वो ट्रे वापस अपने हाथ में ली और कहा, अब तुम्हें वैसे ही पसंद है तो मैं तुम्हें ऐसे ही पिलाऊंगा। ये कहते हुए वो वापस उस सूप को अपने मुंह में डालने ही वाला था कि आकांक्षा ने उससे वो ट्रे छीन ली और चुपचाप सूप पीने लगी। तभी उसके कानों में श्लोक की आवाज आई, मैंने बताया था ना दैट आई विल टीच यू अ सेकंड लेसन। ये सुनकर आकांक्षा को वो दिन याद आ गया जब श्लोक ने उससे ये बात कही थी। उसने मुंह बनाकर उसे देखा और चुपचाप उस सूप को पीने लगी। जैसे ही उसने वो सूप खत्म किया, श्लोक ने उस ट्रे को साइड में रख दिया। उसने आकांक्षा के होठों को देखा जो गर्म सूप पीने के कारण एकदम पिंक हो चुके थे, जिस पर अभी भी थोड़ा सूप लगा था। तभी श्लोक झुककर उसके होठों को सॉफ्टली किस करने लगा। ये उनकी सुबह वाली किस से अलग था। इसमें वो सारी फीलिंग्स थी जो श्लोक ने अपने अंदर दबा के रखी थी। वो बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था। आकांक्षा को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अचानक गर्म होने लगी थी। श्लोक ने धीरे से उसके होठों पर बाइट किया और उससे अलग हो गया, जिससे आकांक्षा होश में आई। वो अपने लाल गालों के साथ उसे गुस्से में घूरने लगी। उसने कहा, आप ना सच में बहुत बेशरम हैं। ये कहते हुए उसने ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लिया और बेड पर लेट गई। श्लोक धीरे से मुस्कुराया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लगा। अचानक ही उसका हाथ अपने होठों पर चला गया और उसने खुद से कहा, नाउ आई नो अबाउट माई फीलिंग्स। ये कहते हुए उसने बेड की तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप में जहाँ एक मैसेज शो हो रहा था वो एक अजीब से सिंबल के साथ आया था, जिसे देखकर श्लोक के हाव भाव बदल गए। उसका प्यार से भरा चेहरा भयानक दिखने लगा। उसने जल्दी से कुछ व्हाट्सएप पे टाइप किया और मैसेज सेंड कर दिया। लैपटॉप बंद करते हुए उसने खुद से कहा, तो कोई मुझे ढूंढ रहा है, चलो उसे डॉक्टर ऐसे से मिलवा देते हैं। ये कहकर वो उठा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक सुनसान इलाके में एक कार रुकी। उस कार में से एक आदमी बाहर आया जिसने डॉक्टर कोट पहना था और मास्क लगाया हुआ था और अपने हाथ में पकड़े सर्जिकल नाइफ से खेलते हुए आगे बढ़ रहा था। उस जगह पर कुछ टूटे पेड़ और पुराने घर थे। वो आदमी एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। पेड़ पर एक आदमी को बांध कर रखा गया था। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसके माथे से खून टपक रहा था और उसके शरीर पर कई घाव थे। डॉक्टर कोट पहने आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में पकड़े नाइफ को उस आदमी की तरफ फेंक दिया। वो नाइफ सीधा जाकर उस आदमी के पेट पे लगा। दर्द से उसकी जोर से चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े इंसान को देखा उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। डॉक्टर कोट पहना आदमी उसके सामने आया और उसने खींच कर वो नाइफ उसके पेट से निकाल लिया। उसने दोबारा वो नाइफ उसी घाव पर मारते हुए, तुम कहां से आए हो? वो आदमी इस वक्त काफी दर्द में था। उसने ना में गर्दन हिला दी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले में कुछ चुभ रहा है। तभी डॉक्टर कोट पहने आदमी ने वो नाइफ उसकी गर्दन के आर पार कर दिया था। उसने अपनी धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना कहने से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम इतनी दूर इंग्लैंड से मुझे यहाँ ढूंढते हुए आए, ऐसे कैसे मैं तुमसे मिले बिना तुम्हें मार देता? तुम्हें डॉक्टर एस ए से मिलना था। लुक आई एम हेयर, पर तुम ये बात अपने बॉस को नहीं बता पाओगे कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, जो तुम जान चुके थे।
ये कहते हुए उसने उसकी गर्दन में फंसे नाइफ को खींच कर बाहर निकाला, जिससे उसके गले का आधे से ज्यादा हिस्सा कट गया। डॉक्टर एस ए ने एक रुमाल से अपने नाइफ पर लगा खून साफ किया और कहा, पता करो ये किस गैंग का काम है और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा। पीछे विपिन अपना सिर झुकाकर खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी गलती है बॉस कि ये आदमी आप तक पहुंच गया, अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर एस ए ने कहा, बेहतर होगा तुम ध्यान से काम करो क्योंकि तुम्हारी लापरवाही आज कई जाने ले लेती है। ये कहते हुए वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रात के 10 बजे श्लोक अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा था और अपने सामने रखे उस सिल्वर बॉक्स को देख रहा था। आकांक्षा को अब एक और इंजेक्शन लगने वाला था और इन सब से बेखबर वो बेचारी सो रही थी। श्लोक ने परेशान होकर लक्ष्य की तरफ देखा तो लक्ष्य ने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, वो तेरी बीवी, तू संभाल। श्लोक ने घूर कर लक्ष्य को देखा और कहा, कुछ दिन पहले कौन कह रहा था कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए और अब तू साइड हो रहा है, इस बार तो ये तू ही करेगा। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। लक्ष्य ने बेचारा सा मुंह बनाया और आकांक्षा के बेड की तरफ बढ़ गया। एक घंटे बाद लक्ष्य रोनी सूरत लेकर बाहर आया और उसने श्लोक से कहा, भाई वो नहीं लगवा रही है। श्लोक ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किया और कहा, वो तो तेरी प्रिंसेस है तो वो तेरी बात नहीं मान रही। लक्ष्य ने रोने का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, मेरी बहन पराई हो गई, मेरे जीजा ने उसे फंसा लिया, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनती। श्लोक ने कोल्डली उसे देखा और अंदर चला गया। 15 मिनट बाद डॉक्टर और श्लोक साथ में बाहर आए। श्लोक ने डॉक्टर से कहा, एनी सजेशंस? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें बहुत आराम की जरूरत है, बस ये ध्यान रहे कि वो किसी एनर्जी वाले काम को करने की कोशिश ना करें, उन्हें देखकर ऐसा लगता है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और हां में गर्दन हिला दी। लक्ष्य मुंह खोले श्लोक को देख रहा था। उसने कहा, उन्हें सच में उसे इंजेक्शन लगवा दिया? ना जाने क्यों पर श्लोक को अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। वो चुपचाप वार्ड में वापस चला गया। ये एक काफी बड़ा और लग्जूरियस वार्ड था। पेशेंट के रूम के साथ यहाँ पर एक फैमिली रूम, अटैच बाथरूम और एक छोटा सा लिविंग रूम भी था। ये किसी अपार्टमेंट की तरह था। लोग रात के 1 बजे तक काम करता रहा, तभी उसकी नजर बेड पर। उसने देखा कि आकांक्षा फिर बेड से गिरने वाली थी। वो उठा और उसके पास जाकर उसे ठीक से लेटाकर वापस जाने लगा कि तभी ना जाने उसे क्या ख्याल आया, वो जाकर जल्दी से उसके साइड में लेटकर उसे अपने एक हाथ से पकड़कर सो गया।